वो बंद कर दो बेटा, व्हाट्सअप अभी रख दो, मोबाइल में रख दो अंदर। हाँ वो व्हाट्सअप पे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आ रहा है तो रख दो अभी अंदर। Start it. Good afternoon, friends. Good afternoon, friends. चलो फिर, shall we continue? Shall we quickly revise first chapter? करना है रिवाइज? नहीं, अपना टेस्ट भी है बहुत जल्द उसका, ठीक है। टेस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होगा, है ना। चलो फिर, टेल मी व्हाट आर द आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। 6 आइटम्स है, बराबर है। आइटम्स प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर, अबनॉर्मल आइटम्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, appropriation of profits like dividend declared, income tax paid, याद है ना आपको, then penalties, fines, etc, then opportunity cost. These are the 6 items not included in cost sheet. Direct material consumed plus direct labor plus direct expenses is equal to prime cost. Prime cost plus factory overheads is equal to gross factory cost. Gross factory cost plus opening WIP less closing WIP is equal to net factory cost. Net factory cost plus quality control cost. याद है क्या? Office and administration related to production. Related to production ये बहुत important है, लेकिन administration related to production. Research and development cost. Primary packing. Less credit for recovery like sale of by product, समझता है ना, sale of scrap, sale of by product, समझता क्या? Miscellaneous income, any kind of miscellaneous income, ये cost से deduct होगा, बराबर है ना। तो क्या मिल जाएगा? Cost of production. क्या मिलेगा? Cost of production. Cost of production plus opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods is equal to COGS. मतलब क्या? Cost of production of goods sold and COGS plus selling, distribution, marketing and general administration overhead. General administration मतलब like directors fees, auditors fees, समझता है ना, डायरेक्टर्स, कार्स, डेप्रीसिएशन, जो भी रहेगा डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाएगा ना। ये सब आने के बाद क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल. कैन इंटरेस्ट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट? Technically, no. Interest cannot be included in cost sheet, but it can be shown as a separate item if you want to calculate net profit from operating profit. Net profit find करना है आपको from बोलो operating profit. तो operating profit में से interest on borrowed funds deduct करो, you'll get the net profit. You'll get net profit. Tell me 5 methods for segregation. सबको याद है क्या? 5 methods. हाँ बोलो. simultaneous equations, level of activity, graphical, high point and low point, analytical. बस हो गए, पांच मेथड हो गए बच्चों. पांचों मेथड का प्रैक्टिकल यूज कर सकते हो क्या आप? पांचों मेथड का तो नहीं, लास्ट एनालिटिकल मेथड को कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं. अल्टीमेटली मैनेजमेंट इज यूजिंग देयर ओन जजमेंट और नॉट. हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड बहुत छोटा सा मेथड, याद है क्या आपको? टेल मी स्टेप्स टू सेग्रीगेट द कॉस्ट बाय हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड. बोलो. एट हाईएस्ट वॉल्यूम एंड एट लोएस्ट वॉल्यूम आपको टोटल कॉस्ट एंड सेल्स दिया रहेगा. टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टोटल सेल्स इनटू 100. ये जो भी आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. एंड सेल्स पे ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अप्लाई किया तो क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट. तो आप कोई भी एक लेवल का, हाई पॉइंट का या लो पॉइंट का, क्या उठाओ? सेल्स. सेल्स पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अप्लाई करो, क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट. एंड वो वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से डिडक्ट करो, यू विल गेट फिक्स कॉस्ट. याद आ रहा है बच्चों? सेग्रीगेशन करने आता है. सेग्रीगेशन में अगर दो पीरियड्स इन्वॉल्व है, समझो 8000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ क्वार्टर एंड लेट्स से 18000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 6 months. 8000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्वार्टर एंड 18000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 6 months. तो हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्या? चेंज इन कॉस्ट जो है चेंज इन क्वांटिटी कर सकते हैं क्या? नहीं. तो क्या करना पड़ता है? 3 months डेटा को 6 में कन्वर्ट करो या 6 को 3 में कन्वर्ट करो. मतलब 6 को 3 में कन्वर्ट किया तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट 3 months, या 3 को 6 में कन्वर्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट 6 months. एंड ये दो डेटा आएगा, मतलब एक्चुअल 6 months, इक्विवेलेंट 6 months, ये कंपेयर कर सकते हो आप. या दोनों को 1 year में कन्वर्ट करो, वो भी चलेगा. दोनों को इक्विवेलेंट 12 months, इक्विवेलेंट 12 months, वो भी चल सकता है. एंड जब ये डेटा आपके सामने आएगा जहां पे दोनों पीरियड इक्वल लेंथ ऑफ टाइम के है, मतलब फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व इन बोथ द पीरियड्स इज सेम, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. एंड जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. एंड फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करो बाय यूजिंग डेटा ऑफ एनी वन लेवल. याद आ रहा है बच्चों? यस और नो? कंफर्म. अपन जो भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थोड़ा बहुत कुछ याद है क्या? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. जल्दी बताओ. कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर. और एक बार बताओ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर. याद कर लो ना बच्चों. जितना क्लास में रिस्पॉन्सिव रहोगे उतना बेटर रहेगा कि नहीं? उतना. जब अभी 5-6 महीने के लिए पुणे में आए तो जितना ज्यादा टेक अवे रहेगा उतना बेटर है ना तुम्हारे लिए, है या नहीं? यस और नो? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. समझो एग्जाम में क्वेश्चन आया. अब सब लोग अच्छे से सुनो. व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर? 4 मार्क का क्वेश्चन है. व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर? चलो क्या क्या लिखोगे उसमें बताओ. हाँ बोलो. कॉस्ट सेंटर इज अ पर्सन, लोकेशन, आइटम ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर विच कॉस्ट कैन बी असरटेन्ड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. इसके लिए चाहिए स्पेसिफिक पढ़ाई. समझता है क्या? अब जो टाइप का मैं आंसर दे रहा हूं इसके लिए स्पेसिफिक पढ़ाई चाहिए ना, अदरवाइज आंसर कैसे आता है फिर? कॉस्ट सेंटर इज अ सेंटर ऑफ कॉस्ट. बराबर है कि नहीं? कॉस्ट सेंटर इज अ सेंटर ऑफ कॉस्ट वेयर ऑल कॉस्ट, राइट? व्हेन ऑल कॉस्ट कम टू अ पर्टिकुलर सेंटर इट बिकम्स अ कॉस्ट सेंटर. दे डोंट गो इन एनी ऑफ द कॉर्नर वेयर एज दे कम इन अ सेंटर, राइट? इट बिकम्स कॉस्ट सेंटर. आगे जय हिंद जय महाराष्ट्र तो है ही, है कि नहीं? तो कॉस्ट सेंटर का स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है? बोलो. इट इज अ पर्सन, कॉमा, लोकेशन, कॉमा, आइटम ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर विच cost may be ascertained and used for the purpose of cost control समझ में आ रहा है? Cost centers are of 2 types. कौन से 2 type? बोलो. Personal cost center and impersonal cost center. Whereas for manufacturing organizations, cost centers are of 2 types. Production cost center, service cost center. Tell me difference between production cost center, service cost center. मुझे सिर्फ 3 difference चाहिए. हाँ बोलो. Production cost center has sellable output. Service cost center has no sellable output. Production cost center transforms raw material into finished product with the help of various processes. Whereas service cost centers are the ancillary units. They are the ancillary units. They facilitate production cost centers. They facilitate production cost centers. समझ में आ रहा है? सर्विस कॉस्ट सेंटर के जो सारे कॉस्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, वेर एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या डिफरेंस है याद रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेर एज ऑल द कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। याद आ रहा है बच्चों। What are the types of cost on the basis of controllability? जल्दी, controllable cost, uncontrollable cost. What are the types of cost on the basis of normality? Normal cost, abnormal cost. Types of cost on the basis of decision making? Relevant cost, irrelevant cost. Types of cost on the basis of association? Product cost, period cost. Types of cost on the basis of payment? Explicit cost and implicit cost. I hope you remember the difference between explicit cost, implicit cost. Whether you remember the difference between cost accounting, management accounting. मैंने आपको होम एक्सरसाइज दिया था cost accounting and financial accounting. I am sure आपने complete किया रहेगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है। cost accounting, financial accounting complete करना है बच्चों। प्लीज बैकलॉग मत छोड़ो, समझ रहा है क्या। रोज का काम तभी क्या करो, आगे और भी सब्जेक्ट्स आने वाले, आगे और भी बहुत कंसेप्ट आने वाले तुम्हारे सामने। आप समझ रहे हो क्या, बैकलॉग मत छोड़ो मेरे भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Okay. Do you remember the difference between production cost center, service cost center? Do you remember the difference between cost, price and value? Cost, price and value याद है क्या? चलो cost accounting, management accounting के तीन difference बताओ। चलो definition, definition. Done. Cost accounting, management accounting. Definition and definition. Definition याद है ना लेकिन? Then quantitative, quantitative and qualitative. Correct है? Then narrow, wider. Purpose is only cost ascertainment. Providing input for decision making, developed out of industrial revolution, developed out of needs of modern business world. तीन बोला तो पांच छह डिफरेंस हो गए अपने। Yes or no? Cost accounting, management accounting का डिफरेंस याद है? Cost control and cost reduction के सिर्फ दो डिफरेंस बताओ। Cost control, cost reduction. Cost control is temporary, cost reduction is permanent. Cost control will set the standard, cost reduction will challenge the standard. It has the visible end, it has no visible end. It will end when target cost is achieved. It will never end as there is a continuous scope for further reduction in cost. It is based on a belief that there is a continuous and bolo unending scope for further reduction in cost. It will challenge the standard also. It will challenge the 50 रुपए कॉस्ट है, 40 तक पहुंचाना है, 40 तक पहुंचा दिया, कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम हैज कम टू एन एंड, टारगेट कॉस्ट हैज बीन अचीव्ड। जबकि कॉस्ट रिडक्शन वहां पे रुकेगा क्या, नहीं, वो बोलेगा कि भाई 40 तो क्यों, और रिसर्च हो सकता है और नए नए मेथड्स आ सकते हैं, वी कैन फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, करेक्ट और नॉट, वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट फर्दर। आर यू गेटिंग दिस? सो देयर इज नो विजिबल एंड फॉर अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, फॉर अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। याद आ रहा है बच्चों? तो ये था डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो मेरे ख्याल से कुछ फर्स्ट चैप्टर आपको थोड़ा बहुत याद है बच्चों, याद है ना। तो चलो फिर अभी अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट। तो आप आपके नोट्स के पेज नंबर 109 पे आ जाओ। 109 है ना ये, आपके प्रिंटेड नोट्स के पेज नंबर 109 पे आ जाओ डायरेक्ट, पेज 109 प्रिंटेड नोट्स। ओके, अच्छा इसके पहले का आपको कुछ लगता है कि नहीं सर ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वो सब कवर होगा बच्चों। हाँ मेरे भाई, अभी कोई मैंने अगर एक आधा पेज छोड़ दिया इसका मतलब वो नहीं कि वो छोड़ दिया कंप्लीटली। ओके वहां पे सिर्फ आना बाकी है अभी तक। इज दैट क्लियर? चलो पेज नंबर 109 पे आएगा आप लोग। क्या ये मटेरियल कॉस्ट लिखा आपने चैप्टर का नाम? ऑलरेडी प्रिंटेड है ना उधर, मटेरियल कॉस्ट। ओके, मेरा पहला सेंटेंस आज के लिए, आप मुझे बताओ बच्चों, कैन आई से मटेरियल कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, बट कौन से कंपनीज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। स्ट्रेट बैठो, इधर ध्यान दो मेरे भाई, कितने भी नंबर रहा ना तो भी अपन यहाँ पे ध्यान दे सकते, समझ रहा है क्या। वो लोग बोलेगा नहीं सर हम इधर बैठे उधर बैठे, जहां पे भी है तुम, तुम्हारा करियर तुम्हें करना है। आप समझ रहे हो? मटेरियल कॉस्ट इज, हाँ बोलो, वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इन, बोलो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा कॉस्ट कौन सा होगा? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या ओवरहेड्स? क्या रहेगा? ओवरहेड्स बोलना तो गलत है, एक्सपेंस बोलना चाहिए मैंने, बट सबसे, ये तीनों में सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? मटेरियल। यस और नो? टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबसे बड़ा इलेमेंट कौन सा रहेगा, मटेरियल या लेबर? मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट हेवी रहेगा ना यार, यस और नो? बट मुझे बताओ, सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट, ये हमारा कंपनी है, हमारे लिए मटेरियल कॉस्ट सबसे ज्यादा रहेगा क्या? हमारे लिए कौन सा कॉस्ट सबसे ज्यादा रहेगा? लेबर कॉस्ट। कौन सा? लेबर। आप लोग नहीं सर उससे ज्यादा ओवरहेड्स नहीं का, अरे मुझे जो पेमेंट हो रहा है वो भी तो लेबर में इंक्लूड होता है। आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल लेबर, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल लेबरर। जो एक्सपर्ट मुझे पेमेंट कर रहा है वो भी तो वेजेस ही है ना। ओनली थिंग इज दैट वेजेस नहीं बोलते हम लोग, प्रोफेशनल फीस थोड़ा अच्छा वर्ड बोलते हैं, थोड़ा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, बट ये है तो वेजेस ही ना यार, ये है क्या है बोलो, वेजेस। थोड़ा ज्यादा इसलिए आपको वेजेस बोलने को अच्छा नहीं लगता है, करेक्ट और नॉट? बट ये है तो वेजेस ही ना। इट्स अ प्रोफेशनल लेबर कॉस्ट, इट इज अ बोलो प्रोफेशनल लेबर कॉस्ट। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा कॉस्ट होता है लेबर कॉस्ट, सबसे बड़ा कॉस्ट होता है लेबर कॉस्ट। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा कॉस्ट कौन सा होता है? मटेरियल कॉस्ट। तो कैन आई से मटेरियल कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर पोर्शन या मेजर एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। कैन आई से इट इज हाईएस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज हाईएस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलो एक पहला सेंटेंस लिख लेते हैं आज, चलेगा क्या? जनरली राइट ऑन, ये कौन सा पेज नंबर है आपका? 109, राइट ऑन। जनरली मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट, जनरली मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट, पहला पॉइंट लिख रहे हो ना बच्चों, जनरली मटेरियल्स कॉन्स्टिट्यूट, जनरली मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ, अ मेजर पोर्शन ऑफ, मेजर पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेजर कॉस्ट ऑफ या मेजर पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ, बोलो मेरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो बोलना है बोलो। जनरली मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने मेजर कॉन्ट्रेन कर दिया क्या? मेजर पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यू कैन से इट इज हाईएस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बताओ टोटल कॉस्ट में एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहेगा कि नहीं मटेरियल कॉस्ट का? मटेरियल कॉस्ट मतलब ऑब्वियसली कौन सा? रॉ मटेरियल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहेगा कि नहीं? कौन से कॉस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट रहेगा बोलो? मटेरियल कॉस्ट। देयरफॉर प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल, प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन, किस चीज में आपको प्रॉपर केयर कंट्रोल लेना पड़ेगा? क्या क्या चीजों में प्रॉपर केयर कंट्रोल लेना पड़ेगा बोलो? इन, पहला ओके ऐसे कर देना, इसमें तीन पार्ट कर देना। इन प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन बोलो मेरे भाई परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। देन और क्या रहेगा बोलो? स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। अरे प्रॉपर केयर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं स्टोरेज में भी, नहीं तो बाद में पता चला कि आपने कहाँ पे स्टोर किया है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कितना मतलब अपने पास अवेलेबल है ना, उसका कोई रिकॉर्ड है। प्रॉपर केयर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो? अच्छा समझो आज मैं एक्सपर्ट के ऑफिस में जाके पूछा कि भाई अपने पास कितना टी शर्ट का स्टॉक है, कितना, तो वो मुझे बताया कि सर 726 टी शर्ट अभी भी है अपने पास, 726 टी शर्ट्स है। इसका मतलब वो अपने को स्टॉक बराबर बता रहा है ना, तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड्स रहेंगे या ऐसे ही अंधाधुंध नंबर बता देता है? कुछ रिकॉर्ड रहेगा ना, कुछ इतना स्टॉक आया, इतना इश्यू हुआ, इसको इश्यू हुआ, कौन से बैच के बच्चों को इश्यू हुआ, इतना क्लोजिंग स्टॉक है। उसमें भी रहेगा ना कि एल साइज में इतने टी शर्ट बाकी है, एक्सएल में इतना बाकी है, करेक्ट और नॉट? डबल एक्सएल में इतना बाकी है, मीडियम साइज में इतना बाकी है, स्मॉल साइज में इतना बाकी है, उसमें भी कुछ ब्रेकअप रहेगा कि नहीं? तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा कौन सा है बोलो? स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। एंड तीसरा होता है इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोलो? इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल। आज एक काम करो, एक्सपर्ट के ऑफिस में जाओ और बोलो कि उनको भाई ये कॉस्टिंग के या अकाउंट्स के नोट्स दे देना हमें, ओके? आपको ऐसे ही दे देते क्या आपका चेहरा देख के? कुछ रिकॉर्ड्स चेक करते रहेंगे ना वो, उनके लिस्ट में आपका नाम नंबर है क्या, आपने फीस भरा है क्या, रिसीट है क्या आपके पास, करेक्ट और नॉट। जो स्टूडेंट नोट्स लेने आया है वो वही स्टूडेंट है क्या जिसने रजिस्टर किया हुआ है। कुछ तो प्रोसीजर रहेगा ना मेरे भाई, इशू में भी प्रोसीजर रहेगा या नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग दिस। तो मटेरियल कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर portion of total cost, and as it is a major portion of total cost, proper care and control is required. Proper बोलो मेरे भाई, care and control is required. किस चीज में proper care and control चाहिए? In purchase of raw material, storage of raw material, issue of raw material. तो ये purchase के related अपने को कुछ technique सीखना है, समझता है क्या आपको। ये स्टोरेज के रिलेटेड कुछ सीखना है, इशू के रिलेटेड कुछ सीखना है, इस चैप्टर में सब सीखेंगे इसमें क्या क्या है करके। आज अपन स्टार्ट करेंगे परचेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या केयर लेता है, परचेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या केयर लेता है, उसमें अपने को सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर सीखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। चलो यहां तक क्लैरिटी है क्या बताओ। सबसे पहले तो अब बिफोर आई गो इन परचेस प्रोसीजर, कैन आई से मटेरियल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, और वो टू पार्ट्स है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, विल बी इंक्लूडेड इन, एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन ओवरहेड्स, विल बी इंक्लूडेड इन ओवरहेड। फिर वो इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री के रिलेटेड रहेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अगर वो सेल्स के रिलेटेड रहा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो समझो हमने पैम्पलेट्स प्रिंट किए, क्या प्रिंट किए, तो मटेरियल पे खर्चा ही हुआ ना बच्चों, उसमें जो पेपर यूज हुआ जो भी कुछ है, समझ रहा है क्या। कैन आई से इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, बट वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा क्या, नहीं, कहां जाएगा वो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग में जाएगा वो। अल्टीमेटली उसका पर्पज मार्केटिंग है ना बॉस, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग में जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो सबसे पहले और एक सेंटेंस लिखते हैं यहां पे हम लोग, राइट डाउन सेकंड नंबर, ये जो लिखा था उसके बाद सेकंड, मटेरियल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। मटेरियल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, broadly divided in two parts। बोलो कौन से दो पार्ट्स है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या होगा बच्चों, फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिफरेंस याद है क्या, द मटेरियल कॉस्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, कैन बी बोलो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर, यस और नो, इज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। समझा क्या। अब देखो ये पानी का बॉटल है यहाँ पे, बराबर है, वैसे देखा जाए तो ये मटेरियल कॉस्ट ही है ना, यस और नो, ये कंपनी के लिए मटेरियल कॉस्ट है या नहीं है। बट आप बताओ आपको लगता है कि इसके रिकॉर्ड्स रखे होंगे इन्होंने, कितने बॉटल्स रेड्डी सर ने लिए, कितने बॉटल विशाल सर ने लिए, कितने बॉटल्स ये सर ने लिए, कुछ रिकॉर्ड्स रहेगा क्या, इधर रिकॉर्ड रहेगा क्या। तो फिर ये कौन सा कॉस्ट ट्रीट होगा, इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट बोल के ट्रीट होगा ना यार, ये क्या बोल के ट्रीट होगा। अच्छा बट रिकॉर्ड रखा जा सकता है क्या, रखा जा सकता है, बट आप सुनो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। कुछ जगह पे ऐसा होता है बच्चों कि मटेरियल कॉस्ट जो होता है वो तुम चाहो तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज रिकॉर्ड रख सकते हो, बट अगर रखा रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड रखने का खर्चा माइट बी मोर देन द मटेरियल कॉस्ट। नहीं समझा आपको, रिकॉर्ड रखने का खर्चा माइट बी मोर देन मटेरियल। अरे बॉटल में मिला जुला के साल भर का 2000, 4000, 5000 खर्चा होता रहेगा यार। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस। साल भर के 5000 खर्चे के लिए रिकॉर्ड्स रखे क्या भाई, करेक्ट और नॉट, रिकॉर्ड रखे यहाँ पे। अगर समझो मैंने आधा दो बॉटल पानी पी के यहाँ पे रख दिया, फिर दूसरा राइट किसी दूसरे फैकल्टी ने पी लिया, तो वहां पे क्या मेजर करेंगे, हमने 150 ml मैंने पिया था, फिर सामने वाला टीचर बोलेगा 150 नहीं, तूने 160 ml पिया था। झूठ मत बोला, झूठ। समझ रहा है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सर ये बहुत निग्लिजिबल कॉस्ट है। तो समटाइम्स, समटाइम्स समझ रहा है कि आपको ये कुछ मटेरियल कॉस्ट तुम चाहो तो उसको डायरेक्ट बना सकते हो बाय मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, बट कंपनी प्रेफर्स इट टू ट्रीट इट एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. कंपनी प्रेफर्स इट टू ट्रीट इट एज इनडायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज इट इज वेरी निग्लिजिबल इन नेचर. कॉस्ट इज वेरी निग्लिजिबल. अगर उसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज रिकॉर्ड रखा ना बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स विल एक्सीड द कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ बोलो मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स विल एक्सीड द कॉस्ट. राइट, बहुत बार ऐसा होता है. इसलिए कंपनी ने कन्वीनियंटली डिसाइडेड टू ट्रीट इट एज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल समझो मेरा एक सर्विसिंग सेंटर है. ध्यान है सबका, इधर सो नहीं रहे ना कोई? नहीं ना, पक्का? क्या आर यू श्योर? सुख ये होता है, समझ आया कि नहीं? तो सामने बैठा है, एंड रात को 9:30 बजे यही स्टेटस डालेगा, हार्ड वर्किंग हैशटैग, है कि नहीं? बराबर है ना? उसको मजा आएगा उसमें, हैशटैग हार्ड वर्किंग, बराबर है ना? डेडिकेटेड सीए स्टूडेंट्स, ऐसा बुक का थप्पी लगाएगा, बराबर है कि नहीं? उस पर ऐसा हाथ रखेगा, नहीं नहीं हाथ ऐसा ऊपर रखेगा, बराबर है कि नहीं? एंड बोलेगा किसी है, उसमें से नीचे के बुक तो पढ़े भी नहीं उसने, आधे बुक का नाम नहीं मालूम इसको. स्ट्रेट बैठा करो, स्ट्रेट, ठीक है? ध्यान दे रहे सब लोग? समझो मेरा एक सर्विसिंग सेंटर है. क्या अब समझो मेरे पास 10 बाइक सर्विसिंग के लिए आए एक दिन के लिए. वो 10 बाइक का कॉस्ट मुझे अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा ना, सबको अलग अलग बिल आएगा ना अकॉर्डिंगली. तो मटेरियल का रिकॉर्ड मुझे अलग अलग रखना पड़ेगा कि नहीं? तो समझो ऐसे ये लड़की के बाइक के लिए मान लो मैंने इंडिकेटर चेंज किए, ब्रेक लाइनर चेंज किया, ब्रेक ड्रम चेंज किया, तो इसके लिए मटेरियल यूज हुआ ना. वो ये जो दूसरा है इसके लिए मान लो मैंने ब्रेक ऑयल चेंज किया और कोई फ्लूइड ऑयल चेंज कर दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कुछ मान लो उसका क्लच वगैरह खराब हुआ था, वो चेंज कर दिया, कुछ क्लच प्लेट्स चेंज कर दिए, ये दूसरे बाइक के लिए था. बट सुनो बच्चों, वो सर्विसिंग सेंटर में ना वहाँ यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ मैंने लटकाया हुआ है जहाँ पे कुछ स्क्रूज है, नट्स है, बोल्ट्स है, ओके, कुछ ऑयल है, ग्रीस है. और मैं क्या करता हूँ, जैसे रिक्वायरमेंट लगे, समझो ये बाइक को ग्रीस की जरूरत है, मैं ग्रीस ले लिया, यहाँ पे यूज कर लिया. अब इसके बाइक के लिए कितना ऑयल, कितना ग्रीस यूज किया वो मैंने रिकॉर्ड रखा भी नहीं. कितने नट्स यूज किए, कितने बोल्ट्स यूज किए, वो रिकॉर्ड रखा ही नहीं मैंने. समझा या नहीं? तो वैसे वो जो ग्रीस, ऑयल, नट्स, बोल्ट, समझ रहा है ना, कुड हैव बीन ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. कुड हैव बीन ट्रीटेड एज, बट कैन आई से सर्विसिंग सेंटर हैज डिसाइडेड टू ट्रीट इट एज ओवरहेड कॉस्ट. बाइक वाइज ऐसा कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं है, तो इट इज एन ओवरहेड कॉस्ट और नॉट. बट वो क्या सोचा कि अगर मैं रिकॉर्ड मेंटेन किया तो ये रिकॉर्ड में कौन से बाइक के लिए कितना ऑयल यूज हुआ है ये लिखते बैठा मैं, तो दिन में टाइम, आधा टाइम तो उसमें जा रहा है ना यार. यस और नो? जब जरूरत पड़ी वो फटाक से ऑयल ले लिया, ग्रीस ले लिया, यूज कर लिया, नट्स यूज कर लिए, बोल्ट्स यूज कर लिए. उसका कॉस्ट तो कितना है भाई? वो नट बोल्ट्स का समझो 100 रुपए का पूरा पैकेट आता है जिसमें 1000 नट बोल्ट्स है. समझ रहा है क्या? अब बताओ उतने के लिए वो रिकॉर्ड मेंटेन करते बैठेगा क्या? वो कौन से बाइक के लिए कितना यूज किया एंड ऑल दो थिंग्स नहीं. तो ही कन्वीनियंटली क्लासिफाइड इट एज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. इनडायरेक्ट बोलो मटेरियल कॉस्ट. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? चलो लिखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के नीचे लिखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट्स आर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट्स आर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट्स आर दोज are cost of those materials, are cost of those materials, direct material cost are cost of those materials which enter into and form the part of the product and form the, बोलो मेरे भाई, part of the product and form the part of the product. It includes उसमें लिखो 1. It includes में 1 all material specifically required. all material क्या बोलो? specifically बोल रहा हूं बच्चों मैं, इसका मतलब ही डायरेक्टर है ना, ये डायरेक्ट कॉस्ट है ना, ऑल मटेरियल स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर द जॉब और ऑर्डर, वो पर्टिकुलर ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए मटेरियल स्पेसिफिकली लगता है. देन ऑल मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनादर प्रोसेस, मतलब कोई दूसरे प्रोसेस ने कन्वर्ट करके इसको दिया हुआ है. समझ रहा है क्या आपको ये? फॉर एग्जाम्पल लेट से ग्रेप्स का क्रशिंग हुआ, सुन रहे हो क्या, ग्रेप्स का क्रशिंग हुआ, फिर वो क्रशिंग हो के बाद में जो बन गया वो अगले प्रोसेस को भेजा जाएगा, उसमें कुछ केमिकल डाल दिया और कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, उसका समझो हीटिंग कर दिया, क्या कर दिया, हीटिंग, फिर उसके बाद में उसको और कुछ क्रशिंग कर दिया, समझ रहा है क्या, और कुछ लेट से उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया लेट से 4 दिन, उसके बाद में और उसमें कुछ केमिकल मिक्स कर दिया और कुछ उसका उसके साथ प्रोसेसिंग किया गया, समझाया नहीं, उसके बाद में उसका वाइन बन गया, क्या बन गया, वाइन बन गया. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? तो ये जो भी एक दूसरे से एक मटेरियल, एक प्रोसेस से अगले प्रोसेस को जा रहा है, इवन इट इज अ मटेरियल कॉस्ट, इवन इट इज अ मटेरियल कॉस्ट. एंड तीसरा, अब यहां पे आईसीआई ने कॉन्ट्राडिक्शन किया हुआ है. अब देखो यहां पे ये बोल रहे प्राइमरी पैकिंग, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये, अच्छा इसका मतलब वो क्या बोल रहा है आपको, प्राइमरी पैकिंग विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. कॉस्ट शीट में कहां पे समझा क्या आपको ये? इनफैक्ट कल एक एमसीक्यू था, उसमें याद है क्या आपको आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, उसमें आंसर प्राइमरी पैकिंग था आईसीआई का. यस और नो, ये मैं बोला आपको. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एनीवे, बट समटाइम्स प्राइमरी पैकिंग कैन बी इंक्लूडेड इन डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. समझ आए? क्योंकि उसके बिना वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये जो ऊपर का प्लास्टिक यूज किया गया, इट इज एज गुड एज वो पार्ट ऑफ, मैं पानी बाय कर रहा हूं, मतलब ये बाय करना ही है मुझे, साथ में ये बाय मुझे बोलो करना ही है. करेक्ट और नॉट? इट इज द प्रोडक्ट ओनली दैट आई एम बाइंग, इट इज द बोलो प्रोडक्ट ओनली दैट आई एम बाइंग. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स, ये 3 चीजें आप याद रखोगे बच्चों. अब देखो अपने को एमसीक्यू भी आने वाले, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में बता रहा हूं ये. तो कौन से 3 चीजें बताओ. ऑल मटेरियल दैट गेट्स स्पेसिफिकली कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. वर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो वो छोड़ दो यार, समझ रहा है क्या. सेकंड, हाँ बोलो क्या था, मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. एंड तीसरा प्राइमरी पैकिंग, है ना. बताओ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब यही होता है क्या? नहीं. तो लिखो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है. लिखो indirect materials are those materials, लिख रहे हो क्या बच्चों, which are not traceable, बोलो मेरे भाई, traceable to the finished product. शायद थोड़ा बहुत गया रहेगा दिमाग में. traceable to the finished product मतलब ऐसे फिनिश प्रोडक्ट के साथ उसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते. जैसे कि अब सुन रहे हो क्या बच्चों, सुन रहे हो क्या. अब जैसे कि समझो ये स्टेज बनाते वक्त उसने प्लाई लाया रहेगा, प्लाई वो तो डायरेक्ट मटेरियल था, आप समझ रहे हो क्या. बट साथ साथ में कुछ उसने स्क्रू, नट, बोल्ट्स लाए रहेंगे, फेविकॉल लाया रहेगा कुछ. यस और नो? अब वो दिख रहा है क्या आपको कुछ यहाँ पे कुछ, तो वो कौन सा मटेरियल है बोलो, इनडायरेक्ट मटेरियल. मतलब दिख नहीं रहा है वो इनडायरेक्ट, ये डेफिनेशन नहीं है बच्चों, समझ रहा है. दैट विच कैनॉट बी ट्रेसेबल विद द फिनिश प्रोडक्ट, विच कैनॉट बी बोलो ट्रेसेबल विद द फिनिश प्रोडक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दैट कैनॉट बी ट्रेस्ड विद द फिनिश प्रोडक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, आगे पढ़ो. सच एज कंज्यूमेबल स्टोर्स, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बोलो, कंज्यूमेबल स्टोर्स. कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब ही वही नट, बोल्ट, समझता है ना, ऑयल, ग्रीस. कंज्यूमेबल स्टोर्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, बोलो ऑयल, ग्रीस सुना है क्या कभी ऐसे कुछ. देन फ्यूल ऑयल एक्सेट्रा, समझा बच्चों ये, दिस इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. ओके, कैन आई से दिस ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ध्यान दो बच्चों प्लीज, ग्रुप स्ट्रेट बैठा करो, ये पूरे बैच एंड होने तक रूल है अपना, क्या करने का। एंड पहले होता है कुछ दिन तकलीफ होती है, 10 दिन 15 दिन होने दो, बॉडी को आदत लग जाती हो, समझ रहा है क्या। यही टाइम पे अपने को पेपर लिखना है मेरे भाई, ऐसा नींद का समय मत रखो इसको। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट इनटू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब समझता है ना, समटाइम्स सम ऑफ द कॉस्ट मे बी ऑफ सच अ निग्लिजिबल नेचर, मतलब सच अ इमटेरियल अमाउंट, सच अ बोलो इमटेरियल अमाउंट, दे मे बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इवन दो इफ यू वॉन्ट वी कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ दैट मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज रिकॉर्ड में रख सकता हूं। आप समझ रहे हो क्या बच्चों, आप बताओ, मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ये पानी का बोतल, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाइज रिकॉर्ड रखना इतना आसान है क्या, नहीं है। बट बताओ हमारा मटेरियल जो प्रिंट होता है, आपको लगता है क्या ये ऐसे ही मिक्स होता रहेगा, नहीं, क्योंकि एक मटेरियल का प्रिंटिंग कॉस्ट 1000-1200 रुपए है, आप समझ रहे हो क्या। उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते होंगे कि नहीं, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जरूरी है या नहीं है। राइट ऑन नेक्स्ट सेंटेंस, ये ब्रेकअप छोड़ दो अभी, उसके नीचे लिखो दिस ग्रुपिंग, जगह है ना थोड़ी बहुत, और कितनी जगह है, एक 4-5 लाइन है क्या, और कितनी जगह है, एक 5 लाइन तो है ना कम से कम, बस उतना ही चाहिए, 5 लाइन है या नहीं है। पेज खत्म हो गया, ओके तो पेज खत्म हो गया तो अगले पेज पे लिखो बेटा, कहां जहां पे ब्लैंक मिलता है उधर लिखो, ओके। राइट डाउन दिस ग्रुपिंग, दिस ग्रुपिंग, दिस ग्रुपिंग ऑफ, लिख रहे हो क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, दिस ग्रुपिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट is based on, is based on materiality, is based on बोलो मेरे भाई materiality, sometimes direct cost, sometimes क्या लिखा direct cost may be of such a small value, may be of such a बोलो small value, sometimes direct cost may be of such a small value that cost of maintaining the data, cost of maintaining the data is more than, cost of maintaining the data is more than मटेरियल कॉस्ट इटसेल्फ, इज मोर देन बोलो मेरे भाई मटेरियल कॉस्ट इटसेल्फ, समझाया नहीं। इन सच केसेस, इन सच केसेस, इन सच केसेस इट विल बी, इन सच केसेस इट विल बी कन्वीनियंटली क्लासिफाइड एज, इट विल बी बोलो मेरे भाई conveniently classified as, conveniently classified as indirect material cost, it will be conveniently classified as bolo indirect material cost, it will be conveniently classified as indirect material cost। तो चलो बताओ अभी तक हम जो जो पढ़े कुछ थोड़ा बहुत आपको याद है क्या, कुछ थोड़ा बहुत आपको याद है क्या। चलो क्या क्या आपको याद है उतना बता दो, हाँ बोलो पहले से इस चैप्टर से जो भी कुछ अपना आधा घंटा 15 मिनट हुआ है उसमें बताओ क्या क्या पढ़े हम लोग, हाँ बोलो। मटेरियल कॉस्ट, तुम स्ट्रेट बैठो यार, और वो क्या वो इरिटेटिंग पोज है वो एक निकालो, इधर से काल क्या गर्दन गिर जाएगी कि हाथ नहीं लगाए तो, इधर से लगा रहे थोड़ी देर से इधर से लगा देते हैं, एंड हाथ निकाला तो डायरेक्ट नीचे गर्दन, फिर उठा के वापस। मटेरियल कॉस्ट इज बोलो वन ऑफ द मेजर element of total cost in the manufacturing organization, highest in a manufacturing organization, therefore proper care and control is required। 3 चीजों में proper care and control चाहिए, कौन से, purchase storage issue. Purchase storage issue. Material cost is conveniently divided. Yeah, is divided in two parts. Broadly classified in two parts. कौन से दो part बोलो? हाँ बोलो. Direct material cost and indirect material cost. Can I say direct material cost is included in prime cost? Indirect material cost is included in overhead cost. जन अगर कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट मतलब इतना ही बोला है और कुछ भी नहीं है कॉस्ट शीट में, तो वी इंक्लूड इट इन फैक्ट्री ओवरहेड्स. वी इंक्लूड इट इन फैक्ट्री ओवरहेड्स. अदरवाइज जिसका जो डिपार्टमेंट का वो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली हेडिंग चूज होगा ना. बट इफ नथिंग इज मेंशन इट विल बी इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स. अगर इतना ही दिया इनडायरेक्ट मटेरियल, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो कहाँ इंक्लूड करते हैं हम लोग उसको? फैक्ट्री ओवरहेड्स. कहाँ इंक्लूड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो एंड ये जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है ये कहाँ पे इंक्लूड होता है? प्राइम कॉस्ट. कहाँ इंक्लूड होता है? उसमें तीन चीजें आती है डायरेक्ट मटेरियल में मेनली. द मटेरियल दैट गेट्स कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, एंड तीसरा प्राइमरी पैकिंग. तीसरा प्राइमरी पैकिंग. इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या लिखा है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर, पढ़ो, आर दोज कॉस्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट ट्रेसेबल टू द फिनिश प्रोडक्ट. विच आर नॉट traceable to the finished product, such as consumable, stores, lubricating, oil, grease, fuel oil, etc. Grease, fuel oil, etc. I hope you are understanding this. तो आप बताओ, हमने बोला था proper care and control is required. ऐसा बोला था ना हमने. उसमें पहला point क्या था? Purchase of raw material. क्या था? तो raw material purchase करने के लिए दो main systems है. क्या है? दो मेन सिस्टम. आई नो दो मेन सिस्टम है. उसमें से पहला है, राइट डाउन, डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर. क्या बोलो? डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर या परचेस प्रोसेस. क्या लिखा आपने? डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस. लिख रहे हो क्या मेरे भाई? डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस. एंड दूसरा है सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस. नाम देखिए आपको समझ रहा होगा शायद. ये दूसरा क्या है बोलो? सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस. ये आज अपने को डिटेल में सीखना है. डिसेंट्रलाइज एंड कौन सा बोलो? सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस या सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर आप ऐसे बोल सकते हो. डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर क्या होता है आज हम डिटेल में सीखेंगे बच्चों. डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर. ध्यान है सबका इधर? अच्छा, अभी कुछ मत लिखो बच्चों, जब मैं बोलूंगा तब लिखो. हाँ प्लीज, ओके, जब मैं कुछ बोलूंगा तब लिखना. यहां तक लिखे आप? कुछ तुम पार्टिसिपेटिव नहीं रह सकते क्या? पॉसिबल नहीं है क्या? हाँ उधर उस क्लास में बोलो भाई, पॉसिबल है ना? क्या आपको लगता है कि वैसे भी सर को कहां सुनाई देने वाला है? चुप बैठते, सुस्त बैठते अपना. थोड़ा बहुत शैतानी इज बेटर देन सुस्त. सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? सुस्त. बस जिंदगी से हारा हुआ, कहीं तो बैठने का. सेंट्रलाइज रहेगा. अपन पढ़ने आए यार यहां पे, है कि नहीं? बाद में वही मैं हजावा बोला हूं, बाद में वही मिसिंग दोज डेज. एंड अभी क्या झंड जिंदगी. तो क्या बाद में मिस झंड करोगे? अभी क्या है? झंड जिंदगी. एंड बाद में इसी को जब बोलोगे मिसिंग दोज डेज, तो व्हाट डेज? हाँ ओके, सब लोग ध्यान दो अब यहां पे. प्लीज ध्यान दो. कैसा है वो, कुछ कुछ लोग टीचर को बताते नहीं सर बहुत टफ है वगैरह. तो मैं सिंपल क्या बोला था, अपन पापा को सिखाते क्या? पापा ऐसे करते, पापा वैसे करते. अपन सिखाते क्या पापा को? पापा को मालूम है तभी तो अपन आए ना. बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अपन सिखाते क्या पापा को? कुछ कुछ लोग आके बताते नहीं नहीं सर ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. ओके चलो ध्यान दो भाई, प्लीज 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 ध्यान दो, जोक्स छोड़ दो. सेंट्रलाइज परचेस एंड डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस क्या होता है ये सीखना है. ओके तो पहले मैं आपको बताऊंगा एक प्रोसीजर बताऊंगा, आप मुझे बता देना वो सेंट्रलाइज है डिसेंट्रलाइज है, प्लीज ध्यान देना। समझो ये है लेट से टाटा मोटर्स का बिजनेस प्रीमाइसेस, समझो जो है लेट से 500 एकड़ का, कितना 500,000 एकड़ का प्रीमाइसेस है समझो टाटा मोटर्स का, किसका समझो। यहां पे है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, क्या है इधर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, इधर क्या है बोलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। इधर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है और इसमें सेल्स ऑफिस है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है बच्चों। ओके, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं हर जगह पे। समझो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को रिक्वायरमेंट है ओके 500 किलोग्राम्स या 5000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल पी, रॉ मटेरियल पी उसको 5000 किलोग्राम चाहिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का एक मैनेजर है, उसका नाम है मिस्टर एक्स, डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर मिस्टर वाई एंड डिपार्टमेंट 3 का मैनेजर मिस्टर जेड। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, सप्लायर को कांटेक्ट करेगा, यस और नो, कौन सप्लायर है वो खुद डिसाइड करेगा एंड 5000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल पी का परचेस ऑर्डर प्लेस करेगा। सुन रहे हो क्या? तो फिर वो किसको कांटेक्ट करेगा, समझा क्या, सप्लायर को कांटेक्ट करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सप्लायर को बोलेगा भाई सप्लायर मुझे 5000 किलोग्राम चाहिए रॉ मटेरियल पी के, फिर सप्लायर जो है उसको कोटेशन देगा, फिर वो फाइनलाइज करेगा, प्राइस निगोशिएशंस होंगे, जो भी कुछ होगा, समझ रहा है क्या। इसका पेमेंट कौन करेगा, टाटा मोटर्स करेगा ना, पेमेंट कौन करेगा, टाटा मोटर्स का अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसका पेमेंट कर देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब बताओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में भी समझो 5000 या तो लेट से 10000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल पी का रिक्वायरमेंट है, 10000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल पी। आपको लग रहा है कि सिर्फ रॉ मटेरियल पी चाहिए रहता है उनको, नहीं, और भी हजारों रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा। मैं एक रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हजारों रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा कि नहीं, उसमें से एक रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? इसको 10000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, किसको चाहिए बोलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर क्या करेगा, हाँ बोलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर क्या करेगा, हाँ बोलो, वो सप्लायर को कांटेक्ट करेगा, क्या करेगा, सप्लायर को कांटेक्ट करेगा, सप्लायर को कांटेक्ट करेगा, राइट, कोटेशन फाइनलाइज करेगा एंड उसके बाद में ऑर्डर प्लेस करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसका पेमेंट कर देगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसका। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 को भी मान लो 25000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल पी का रिक्वायरमेंट है, ये भी एक सप्लायर फाइनलाइज करेगा कोई, तो उसको ऑर्डर प्लेस करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा। आपको ये प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं क्या? आपका कुछ तो सजेशन रहेगा, आई एम वेरी श्योर, तुम भी फाउंडेशन पास बच्चे हो, ह्यूज अबंडेंट नॉलेज है तुम्हारे पास, कुछ ना कुछ तो सजेशन रहेगा ना तुम्हारा कंपनी को। क्या सजेशन है आपका? पहला सजेशन, सर ये हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ने सप्लायर XYZ को ऑर्डर दिया, सप्लायर S1 को चूज किया, किसको, S1। हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 ने सप्लायर S3 को चूज किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 ने सप्लायर S10 को ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये अलग अलग नाम है ना, यस और नो। वो आप पहला सोच रहे हो सर अगर ये पूरा कंबाइन करके 25000, 10000 और 5000, 40000 किलोग्राम का ऑर्डर एट ए टाइम देते तो डिस्काउंट ज्यादा मिलता, तो डिस्काउंट हो सकता है कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाता, यस और नो। हो सकता है कि वो सप्लायर के साथ रिलेशन बिल्ड हो जाता एंड रॉ मटेरियल अगली बार और सस्ता हो जाता, यस और नो। ये एक प्रॉब्लम हुआ, समझा, जो आपने डिटेक्ट किया। ऊपर से सोच के देखो, एवरी डिपार्टमेंट्स मैनेजर इज फ्री टू बाय फ्रॉम आउटसाइडर, इज बाय फ्रॉम, समझा क्या नहीं, बहुत ज्यादा फ्रॉड के चांसेस है कि नहीं, इधर बताओ क्या फ्रॉड के चांसेस है। जस्ट इमेजिन करो, सुन रहे हो क्या, समझो लेट्स से ये लड़का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर है, मिस्टर एक्स है, सुन रहे हो क्या। मिस्टर एक्स सप्लायर के पास गया, क्या बोला, सप्लायर के पास गया और बोला, क्या बोला, भाई मुझे 5000 किलोग्राम रॉ मटेरियल पी चाहिए। सप्लायर उसको बोल रहा है हाँ सर 5,000 किलोग्राम, इसका टोटल बिल आपका हो जाएगा 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए टोटल बिल हो जाएगा। ये बोलेगा क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 5 लाख, एक काम कर 8 लाख में फाइनलाइज कर। कितने में? वो सप्लायर बोलेगा क्या बात कर रहे हो सर, मैं 5 लाख में बोल रहा हूं, आप बायर हो सर, बायर, आप सेलर नहीं हो, आप बायर हो, मैं सेलर हूं, मैं 5 लाख में बेचने के लिए तैयार हूं। एक क्या बोलेगा, 8 लाख में बेच भाई, ये इंडिया इतना एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ता। समझा क्या, इंडिया में इतना एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ता, सामने वाला समझ जाता है। अच्छा 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 8 लाख का पेमेंट, कोई बात नहीं सर, 8 लाख का पेमेंट टाटा मोटर से होते ही आपके घर पे 2 लाख कैश भिजवा देता हूं सर। समझा क्या, टाटा मोटर से 8 लाख का पेमेंट आते ही आपके घर पे 2 लाख कैश भिजवा देता हूं। नहीं तो एक काम करो सर, कैश की जगह ना एक 80 इंचेस का एलईडी टीवी भेज देता हूं, एक बड़ा फ्रिज भेज देता हूं। समझा क्या, अरे ये तो मैं प्राइवेट कंपनी की भी बात कर रहा हूं, आप सोच के सिर्फ देखो गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता रहेगा, सिर्फ सोच के देखो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, नहीं तो बाद में वापस डिफेमेशन का केस लगाओगे मेरे भाई, बट ये होता रहेगा कि नहीं बताओ, कल जाके आप ऑडिट करने वाले हो, चेक करने वाले हो ना मेरे भाई, यस और नो, ये होता रहेगा कि नहीं। तो डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर इज प्रॉब्लमेटिक और नॉट, एक तो सबके पास अथॉरिटी है राइट। बल्क डिस्काउंट गए, क्या गए, एंड जो सप्लायर चूज हो रहे बच्चों, क्या ना ऐसे हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग सप्लायर चूज किया है, कर रहा है, तो इसके वजह से हो सकता है कि रिलायबल सप्लायर चूज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, रिलायबल सप्लायर चूज नहीं हो रहा है, करेक्ट और नॉट। तो आप बताओ अगर प्रॉपर एक ही डिपार्टमेंट ने ये पूरा R&D किया होता तो प्रॉपर रिलायबल सप्लायर चूज होता, क्वाइट पॉसिबल और नॉट। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो ये लिमिटेशंस दूर करने के लिए कौन सा मेथड आया, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। क्या आया बोलो, तो सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस में क्या होता है वो देखेंगे। तो अभी जो मैंने छोटा सा ये डायग्राम टाइप ड्रॉ किया था, आपको कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, ये कौन सा प्रोसीजर था बोलो, डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर। तो बोलो डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर में कैन आई से एवरी डिपार्टमेंट वाज मेकिंग देयर ओन परचेसेस, एवरी डिपार्टमेंट वाज मेकिंग देयर ओन परचेसेस, करेक्ट है। अरे मेरे भाई जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो खुद बाय कर रहा है, खुद बाय कर रहा है, इससे आपका डिस्काउंट भी गया, ऊपर से सप्लायर कौन सा चूज हो रहा है वो पता नहीं, करेक्ट और नॉट। डिफेक्टिव मटेरियल बाय हो सकता है, डिफेक्टिव मटेरियल बाय होने का चांस ज्यादा है कि नहीं, बिकॉज यू आर डीलिंग विद एन नंबर ऑफ सप्लायर्स, आर यू गेटिंग दिस। कहीं ना कहीं उसमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा जा रहा है, कॉस्ट भी ज्यादा जा रहा है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए एक प्रोसीजर डेवलप हुआ जिसका क्या नाम है, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर। तो अब हम देखेंगे सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर क्या होता है। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, सब लोग क्या देखने वाले बोलो, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर क्या होता है। तो आप बाद में लिखो जो लिखना है, अभी सिर्फ ध्यान दो, अभी आपको अगले 15-20 मिनट कुछ भी नहीं लिखना है, आराम से पेन रखो, ध्यान दो यहाँ पे, अगले 15-20 मिनट कम से कम आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ध्यान दे रहे हो क्या? तो ये क्या सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये समझो कंपनी का है स्टोर डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है ये कंपनी का स्टोर डिपार्टमेंट है बच्चों। एक बार वापस बताओ कौन सा डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट, ओके। ये कंपनी का स्टोर डिपार्टमेंट है एंड एज्यूम करो कि ये कंपनी का है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा या ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट रहेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट का बहुत सारे रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा। हम एग्जांपल बोल के मैं एक लिख रहा हूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 एंड ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का रिक्वायरमेंट है, मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान में रखो रिक्वायरमेंट। उसको चाहिए 50,000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल पी। क्या चाहिए उसको, जोर से बोलो सब लोग, 50,000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल पी। किसको चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का मैनेजर स्टोर में जाएगा। कहां जाएगा, स्टोर में, सारा रॉ मटेरियल स्टोर हुआ रहता है ना बच्चों, स्टोर में जाएगा और बोलेगा भाई स्टोर कीपर, भाई स्टोर कीपर प्लीज मुझे कितना रॉ मटेरियल दे देना, कितना 50,000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल पी दे देना। अब बताओ स्टोर क्या बोलेगा, भाई क्यों चाहिए तुझे रॉ मटेरियल इतना, यस और नो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बोलेगा क्या, तुझे क्या कर रहे हैं, तू देना भाई 50,000 किलोग्राम। बोलेगा क्या ये, स्टोर बोलेगा कि आई वांट टू कीप द रिकॉर्ड्स, कि भाई तुझे जो मटेरियल इश्यू हुआ है ये कौन सा जॉब कंप्लीट करने के लिए हुआ है, तुझे बताना पड़ेगा कौन सा, बोलो जॉब, कौन सा जॉब, कौन सा ऑर्डर। अरे मेरे भाई वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो भी किसी ऑर्डर पे काम कर रहा है ना, इनको भी, ये कंपनी को भी किसी कस्टमर से ऑर्डर आया रहेगा ना, किसी जॉब पे, किसी ऑर्डर पे काम कर रहा है कि नहीं ये। तो स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या पूछेगा, बोलो कौन से ऑर्डर पे काम कर रहा है, कौन से। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन बोलेगा कि भाई मैं जॉब नंबर XYZ/23/2023 ये कंप्लीट कर रहा हूं। ऐसे जॉब नंबर रहेंगे कि नहीं उधर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ये कंप्लीट कर रहा हूं तो प्लीज मुझे 50,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल दे दे। आप बताओ ऐसा ओरली जाके बताएगा क्या वो, नहीं। तो वो स्टोर डिपार्टमेंट बोलेगा भाई तुझे जो भी चाहिए तू रिटर्न मुझे दे दे, कल जाके मुझे भी तो रिकॉर्ड दिखाना है ना, यस और नो। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन स्टोर डिपार्टमेंट को एक नोट भेजेगा, उसका नाम होता है स्टोर रिक्विजिशन नोट, क्या बोलो, या उसको बोला जाता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। क्या बोला जाता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजा गया, समझा या नहीं, या समटाइम्स इट इज नोन एज मटेरियल डिमांड नोट। क्या बोला जाता है इसको, मटेरियल डिमांड। ये मटेरियल डिमांड नोट में वो क्या स्पेसिफाई करेगा, क्या क्या स्पेसिफाई करेगा, बोलो 50,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, क्या डेट को चाहिए, क्या बोलो डेट को चाहिए, मैक्सिमम कब तक देना पड़ेगा, लिखेगा ना वो, यस और नो। साथ साथ में वो लिखेगा कि कौन सा जॉब कंप्लीट करने के लिए 50,000 किलोग्राम उसको चाहिए, लिखेगा कि नहीं, और जो भी कंपनी में कुछ उनको बेसिक डिटेल चाहिए वो डिटेल भी दे देगा वो। ध्यान है सबका बच्चों। अब बताओ स्टोर डिपार्टमेंट उसको दे देगा क्या, अभी रिकॉर्ड भी आ गया ना, उसका रिक्वेस्ट आ गया ना, तो कहना है स्टोर रिक्वेशन नोट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर मटेरियल्स सेंट बाय, बोलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर डिपार्टमेंट। अब स्टोर डिपार्टमेंट दे देगा क्या उसको, नहीं। अब स्टोर डिपार्टमेंट को कंफर्म करना पड़ेगा कि सच्ची में उसकी उतनी रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं समझा आपको, अच्छा बताओ सच्ची में उसकी उतनी रिक्वायरमेंट है क्या, जानना पड़ेगा कि नहीं उसको। बट उसकी उतनी रिक्वायरमेंट है या नहीं है ये कैसे जानेंगे, वो उसने बताया ना कि जॉब नंबर XYZ/23/2023 कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो कौन सा जॉब कंप्लीट करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है। अगर नींद आ रही है तो थोड़ी देर खड़े रहो बेटा, पीछे जाके उधर उधर जाके खड़े रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली मैं बोल रहा हूं, सार्केस्टिकली नहीं बोल रहा हूं, अगर यहाँ उधर खड़े रहो, नींद जाने के बाद इधर आके वापस बैठ जाओ। हाँ इसको पानी दे दो बेटा, उसको पानी दे दो उसको, ठीक है। चाय मंगाओ, ओके चलो ध्यान दो सब लोग। तो कौन सा जॉब कंप्लीट करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है, कौन सा बोलो जॉब कंप्लीट करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है, इसका नॉलेज स्टोर कीपर के पास रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। स्टोर कीपर बीकॉम पास रहता है। कौन सा जॉब कंप्लीट करने के लिए, समझो टाटा मोटर्स बोल रहा है कि भाई ये 10 कार असेंबल करना है, ये 10 कार असेंबल करने के लिए कितने पार्ट्स लगते हैं, क्या क्या लगते हैं, पता है उसको, समझा या नहीं। तो ये स्टोर कीपर, अच्छा छोड़ो ये तो मैं बहुत आगे का एग्जांपल बता दिया। आप मुझे बताओ 10 चपाती बनाने के लिए कितना आटा लगता है ये पता है क्या आपको, बॉयज को आई एम श्योर कोई अंदाज भी नहीं है, आई एम वेरी श्योर कोई अंदाज भी नहीं है, करेक्ट और नॉट। अपने को आसपास भी पता नहीं है, आसपास भी पता नहीं है, वो बाकी छोड़ो, एग्जैक्ट तो छोड़ो, एंड आई एम श्योर 90% गर्ल्स को भी, यस और नो, 90% गर्ल्स को भी, करेक्ट और नॉट। एनीवे आजकल बहुत नेचुरल है ये। एनीवे सुनो ध्यान से बच्चों, तो बेसिकली स्टोर डिपार्टमेंट को पता नहीं होता है कि कौन सा जॉब कंप्लीट करने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है, यस और नो। तो स्टोर डिपार्टमेंट जो है एक एक्सपर्ट की सलाह लेगा, और वो एक्सपर्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्या बोलो, एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को स्टोर पूछेगा, क्या पूछेगा स्टोर उसको, बोलो स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चों, पूछेगा कि भाई ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? वो बोलेगा कि मुझे स्टोर कीपर ने, मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के मैनेजर ने बोला है कि जॉब नंबर 1 2 3 कंप्लीट करने के लिए उसको 50,000 किलोग्राम की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो तू बता कि 50,000 किलोग्राम का रिक्वायरमेंट जेन्युइन है या नहीं है। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा, हाँ बॉस अगर वो ये जॉब कंप्लीट कर रहा है तो 50,000 किलोग्राम का रॉ मटेरियल का मांगा है तो ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, यू कैन इशू, यू कैन। बट अगर वो बोल रहा है कि नहीं भाई 50,000 किलोग्राम नहीं, इसके लिए तो 40,000 किलोग्राम ही लगना चाहिए, तो स्टोर विल आस्क द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और नॉट कि भाई इतना ज्यादा मटेरियल क्यों चाहिए। एंड अगर उसने आंसर दे दिया एंड इफ स्टोर डिपार्टमेंट इज सैटिस्फाइड, स्टोर डिपार्टमेंट में इशू 50,000 अल्सो। समझ रहा है क्या? बट बेसिकली स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वायर सम नॉलेज और नॉट। किसका नॉलेज चाहिए? कि ये जो कम्युनिकेट उसको किया गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वो है एक्चुअल रिक्वायरमेंट, वो है। एंड ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट बताएगा वो है स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। वो क्या है? तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, एंड ज्यादा हो भी रहा तो एक थोड़ा बहुत वेरिएशन होना चाहिए। अब ये थोड़ा बहुत कितना होता है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिसाइड होगा। समझा क्या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड अगर मेजर डिविएशन नहीं है तो स्टोर कैन इश्यू द रॉ मटेरियल और नॉट। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्टोर को जो बताएगा वो फोन करके नहीं बताएगा, वो भी एक नोट भेजेगा। उस नोट का नाम होता है बिल ऑफ मटेरियल्स। क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल्स कौन भेजेगा? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। किसको भेजेगा? स्टोर डिपार्टमेंट। बिल ऑफ मटेरियल में होता क्या है? लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट करने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए, यूज होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो मुझे इतना चाहिए बोल के एक्चुअल रिक्वायरमेंट बता रहा है ना, बट कितना मटेरियल यूज होना चाहिए ये कौन बताएगा? बिल ऑफ मटेरियल। कौन सा डिपार्टमेंट बताएगा? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब सोचो स्टोर डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड, स्टोर डिपार्टमेंट इज कि बॉस जो भी रिक्वायरमेंट है 50,000 किलोग्राम का वो जेन्युइन है एंड उसको इश्यू करना पड़ेगा, इश्यू करना, स्टोर से इश्यू करना पड़ेगा। बट आप बताओ स्टोर को भी एक प्रोडक्शन शेड्यूल एंटीसिपेट करके रॉ मटेरियल पहले उसके पास मंगा के रखना पड़ता है कि नहीं? क्या एंटीसिपेट करके बोलो? प्रोडक्शन प्लानिंग रहता है ना कंपनी का कि भाई इतना प्लानिंग है, ये है, वो है। जैसे ये बैच का रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मटेरियल प्रिंट करके मंगवाए रहेंगे, कुछ प्लानिंग किया रहेगा कि नहीं? यस और नो? तो आप बताओ स्टोर डिपार्टमेंट एक नोट भेजता है जब उसको रॉ मटेरियल चाहिए, जब उसको बोलो रॉ मटेरियल चाहिए तब वो एक नोट भेजता है, और वो नोट वो भेजता है एक डिपार्टमेंट को, और उस डिपार्टमेंट का नाम है सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है बोलो? सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट। तो ये जो अभी मैं डिपार्टमेंट बताया इसका क्या नाम है बोलो? सेंट्रलाइज। तो आप बताओ बच्चों जो भी कंपनी का परचेस है ये सारे परचेसेस यहीं से आएंगे, ये सारे परचेसेस बोलो यहीं से जाएंगे। कहां से बोलो? सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? आप ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे एक बार चलो पहले से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट से सोचना चालू करो। स्टोर डिपार्टमेंट को नोट भेजा, किसने नोट भेजा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या नोट भेजा? मटेरियल रिक्वेशन नोट भेजा। क्या लिखा उसमें? कि मुझे 50,000 किलोग्राम चाहिए। वो 50,000 किलोग्राम चाहिए ये जेन्युइन भी हो सकता है, नॉन जेन्युइन भी हो सकता है। ये किसके साथ कंपेयर करेंगे? बिल ऑफ मटेरियल। किसके साथ? बिल ऑफ मटेरियल बताएगा कि ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट तुम्हारे सामने है, राइट? स्टोर डिपार्टमेंट कैन कंपेयर इट और नॉट। समझता है क्या बच्चों? जस्ट एक सिंपल एग्जांपल। सुन रहे हो क्या? अब जैसे ये कंपनी है एक्सपर्ट हमारी, सुन रहे हो क्या? इसमें हम दो पार्टनर है 50-50, सुन रहे हो क्या? अब ये ऑब्वियसली ये बैच एक्सपर्ट का कंडक्ट हो रहा है यहाँ पे, समझ रहा है क्या? इसमें समझो 1000 बच्चे, सुन रहे हो क्या? एक दिन समझो आप ऐसे बोले, एक दिन स्टूडेंट बोले कि सर एक काम करो सर पिज्जा मंगवाओ ना सर हमारे लिए, एग्जाम्पल ओके सर हमारे सबके लिए पिज्जा मंगवाना है सर, बहुत बोर हो गए सर ये मेस का खाना खा के। मैंने बोला ठीक है भाई चलो आज हमारे एकेडमी की तरफ से आप सबको पिज्जा, ठीक है? एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है? तो ये पिज्जा का बिल कौन पे करने वाला है? विनोद रेड्डी या एक्सपर्ट? एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट पे करने वाला है। तो मैं क्या किया, ऑर्डर कर दिया 1200 पिज्जा। कितना बैच में 1000 बच्चे, मैं ऑर्डर कितना किया 1200 एंड 1200 पिज्जा जब आया ना वो लेके, तो मैं उसको बोला एक काम कर फटाक से 1000 पिज्जा इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 200 पिज्जा मेरे घर पे भेज दे, वहां पे गेस्ट आए हुए उनको खिला दे। समझा क्या? बिल आया 1200 पिज्जा का एक्सपर्ट के नाम से, एक्सपर्ट से पेमेंट भी हो गया। आपको नहीं लग रहा क्या मेरे घर के 200 गेस्ट का पिज्जा का आधा बिल सुशील भंडारी भर रहा है? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये फ्रॉड हुआ ना बॉस। तो आप बताओ कैन आई से एक्चुअल रिक्वायरमेंट वाज नॉट जेन्युइन, पूरा रिक्वायरमेंट जेन्युइन नहीं था। वैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी रिक्वायरमेंट जो नॉन जेन्युइन रह सकता है ना, उसने स्टोर से मटेरियल मंगवाया, समझाया नहीं, मटेरियल लिया, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज किया, कुछ ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए यूज किया, जॉब कंप्लीट करने के लिए यूज किया, बाकी का घर लेके गया, बेच दिया बाद में उसने। यस और नो? तो स्टोर को ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि रॉ मटेरियल बराबर इश्यू हो रहा है क्या, तो उसके लिए चेक करना जरूरी है कि नहीं। हो मैं एग्जांपल देखो इधर उधर के दे रहा हूं, बट एक कंपनी में आप सोचो बच्चों कितना बड़ा रिक्वायरमेंट रहता होगा। यस और नो? प्रॉपर परचेसेस होना जरूरी है कि नहीं, प्रॉपर परचेसेस होना जरूरी है कि नहीं कहीं पे भी मेरे भाई। ओके, तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करेगा, वो कंपेयर होगा बिल ऑफ मटेरियल के साथ में, आप समझ रहे हो क्या? एंड स्टोर डिपार्टमेंट को भी वो रॉ मटेरियल एडवांस में बाय करके रखना पड़ेगा कि नहीं। तो स्टोर डिपार्टमेंट अपना रिक्वायरमेंट किसको कम्युनिकेट करता है? बोलो सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट। कौन से नोट के थ्रू? बोलो परचेस रिक्विजिशन नोट। क्या नोट है ये? बोलो क्या नोट है ये? परचेस रिक्विजिशन नोट। कौन भेजता है परचेस रिक्विजिशन नोट? स्टोर। किसको भेजता है? सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट। किसको भेजता है? सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट। अब बताओ सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है? यहां पे स्पेशलाइज्ड लोग रहते हैं। कौन रहता है? जो बहुत खतरनाक रहते हैं नेगोशिएशन करने के लिए, जिनका बहुत खतरनाक मार्केट सर्वे रहता है अबाउट सप्लायर्स। कौन सप्लायर है, कौन रिलायबल है, कौन क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करता है, कौन डिफेक्टिव मटेरियल सप्लाई करता है, कौन किसका रेपुटेशन क्या है, करेक्ट और नॉट, सब इंफॉर्मेशन रहता है इनके पास। तो ये सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट वाले लोग जो है ना बच्चों, ये सारा मार्केट सर्वे करके सप्लायर को फाइनलाइज करते हैं। क्या फाइनलाइज करते हैं? सप्लायर को फाइनलाइज करते हैं। तो समझो उन्होंने सप्लायर को फाइनलाइज किया, एक सप्लायर को, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, एक सप्लायर को उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। आप बताओ बच्चों, एक सप्लायर फाइनलाइज करके डायरेक्टली उसको ऑर्डर दिया जाएगा क्या? नहीं, हो सकता है कि मल्टीपल सप्लायर्स है, बट यहां पे इस एग्जांपल में एक सप्लायर ले रहा हूं मैं, ध्यान दे रहे हो क्या? अच्छा, ये सप्लायर फाइनलाइज करने का भी उनका अपना एक प्रोसीजर होगा कि नहीं? ये सप्लायर फाइनलाइज करने का उनका एक प्रोसीजर होगा कि नहीं बच्चों? वो क्या प्रोसीजर रहेगा? वो सबका रेपुटेशन देखते रहेंगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस देखते रहेंगे, मार्केट सर्वे करते रहेंगे, चार लोगों को पूछते रहेंगे कि भाई इसका रेपुटेशन क्या है, यस और नो, सर्वे करते रहेंगे, करेक्ट है। सप्लायर फाइनलाइज हुआ, सब एनालिसिस करके सप्लायर फाइनलाइज हुआ, ध्यान दे रहे हो क्या? अब बताओ सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट ने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया। क्या दे दिया? कि भाई मुझे 2 लाख किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल पी का। ये तो बड़ा ऑर्डर प्लेस करता रहेगा ना। यस, अरे मैं एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला था, और भी रिक्वायरमेंट रहेगी ना। तो ये कितना बाय कर रहा है अभी? 2 लाख किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल पी, ध्यान दे रहे हो क्या? अब बताओ सप्लायर 2 लाख किलोग्राम रॉ मटेरियल बनाएगा कि नहीं? किसके लिए बना रहा है? ये कंपनी के लिए बना रहा है। यस और नो? ऑर्डर दिया था कि नहीं सेंट्रल परचेस डिपार्टमेंट ने? फोन करके ऑर्डर दिया था कि नहीं? यस और नो? समझो सप्लायर ने ट्रक भेज दिया, ट्रक्स भेज दिए, 2 लाख किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल पूरा पैक करके भेज दिया उसने। अरे उसका हमारे लिए रॉ मटेरियल, उसका तो प्रोडक्ट है ना वो। यस और नो? वो हमें बेच रहा है ना भाई, मतलब उसका तो प्रोडक्ट है ना वो भेज दिया। ओके, और हमारे फैक्ट्री गेट से हम उसको बोल रहे हैं भाई हमने ऐसा कभी ऑर्डर तुझे दिया ही नहीं। वो बोल रहा है मुझे फोन आया था 15 दिन पहले, कंफर्म फोन आया था। किसका फोन आया था? हम बोल रहे हमने तो कभी किया नहीं। अब बताओ क्या करेगा वो? तो सीधी सी बात है, आपको क्या लगता है सप्लायर ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग चालू करता है फोन के बेसिस पे? वो क्या बोलता है? सप्लायर पहले बोलता है कि भाई परचेस ऑर्डर भेज। क्या भेज? सुना रहेगा आपने, पीओ भेज। पीओ सुना है क्या? परचेस। अरे परचेस ऑर्डर के बिना वो कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा? बाद में अगर ये कंपनी बोल रही है हमने ऑर्डर ही नहीं दिया था, क्या करेगा रॉ मटेरियल का वो? Yes or no? Are you getting this? In fact, कई सारा मटला ऐसा होता है कि जो किसी और को बेच भी नहीं सकता है क्योंकि स्पेसिफिकली मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है. अरे समझो मैं टाटा मोटर्स हूं तो मैं मान लो कुछ पार्ट्स बना के लेता हूं तो वो पार्ट्स पे टाटा मोटर का लोगो लगा के मेरा सप्लायर मुझे भेजता है. समझता है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्योंकि उसके लिए हो सकता है कि मैं अकेला ही कस्टमर हूं. व्हाट पॉसिबल और नॉट? पिंपरी चिंचवड़ एरिया में पुणे के आजू बाजू में ऐसे हजारों वर्कशॉप्स है जिनके एक या दो ही कस्टमर है. वो बोलते हैं कि भाई हमें कस्टमर कुछ नहीं, हमारा एक ही कस्टमर है टाटा मोटर्स, दूसरा कस्टमर है बजाज ऑटो, दूसरा कस्टमर है बस. हम उनसे ऑर्डर लेते, उनके ऑर्डर के हिसाब से स्क्रू नट बोल्ट्स जो भी पार्ट्स बनाते उनको भेज देते, कहानी खत्म. यस और नो? तो बता ऑर्डर के अगेंस्ट ही प्रोडक्शन स्टार्ट करते रहेंगे ना वो. यस और नो? तो अब सुनो ध्यान से, ध्यान दे रहे हो क्या? इससे दोनों का सेफ्टी है बच्चों. सुन रहे हो क्या? अच्छा समझो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, यहाँ लोकल एग्जाम्पल लेता हूँ. सुन रहे हो क्या? हम लोग हमारे एकेडमी से क्या करते हैं, हमारे एकेडमी में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहेंगे कि नहीं. जा भाई प्रिंट आउट के पेपर्स लेके आ, दो रिम्स लेके आ, दो सेट लेके आ, राइट, स्टेपलर पिन्स लेके आ, ये स्टेशनरी लेके आ, वो स्टेशनरी लेके आ, रिक्वायरमेंट रहेंगे कि नहीं. हम ये सारा स्टेशनरी मान लो एक के एंटरप्राइजेस से बाय करते जो ग्राउंड फ्लोर पे. सुन रहे हो क्या? एंड उसको मंथली पेमेंट कर देता हूं मैं, राइट भाई मंथली वो बिल भेज देता है, उसको पेमेंट कर देता हूं मैं. अच्छा ये जब भी मुझे रिक्वायरमेंट रहा तो मैं समझो हमारा ऑफिस बॉय शिवा को भेजता हूं और बोलता हूं शिवा भाई जा उधर से ये लेके आ. सुन रहे हो क्या? शिवा उसको पता है कि एक्सपर्ट का एम्प्लॉय है, वो दे देता है, शिवा इधर लाके दे देता है, मैंने जो भी मांगा है, बिल हो जाता है महीने में, मैं पेमेंट करता हूं, ये प्रोसेस चल रहा है अच्छे से. अब एक दिन शिवा गया उधर और शिवा बोल रहा है विनोद रेड्डी सर ने बोला है कि 200 नोटबुक दे दो. कितने? जबकि मैंने कुछ मांगा ही नहीं. ऐसे वो एक एंटरप्राइज वाले ने 200 नोटबुक दे दिए, बिल भी लगा दिया, बिल में लगा दिया मेरे, मंथली बिल देता हूं ना मैं. शिवा को 200 नोटबुक मिल गए, शिवा ने गया बाहर 200 नोटबुक बेच दिए, रास्ते पे खड़े रह के 5 मिनट में बेच दिए उसने, उसके पैसे से पार्टी कर दी. महीने का बिल आया विनोद रेड्डी के पास, मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, समझो बाई चांस मैं बिल देख रहा हूं. अब हो भी सकता है ना कि मैं इतना डिटेल में देखता ही नहीं हूं तो पेमेंट हो जाएगा फिर, बट अगर 2 मिनट के लिए मान लो कि मैं डिटेल में देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं 200 नोटबुक. भाई 200 नोटबुक कहां मंगवाया मैंने? एक वाले को पूछा भाई 200 नोटबुक, और हाँ शिवा आया था 200 नोटबुक मांगने, हमने दे दिया, आपको पेमेंट करना पड़ेगा सर. गड़बड़ हो गया ना मेरे साथ, फ्रॉड हो गया ना. यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, एक एंटरप्राइज वाले को बोलेगा देख भाई इसके बाद में शिवा नहीं और कुछ भी आने दे, जब तक उसके हाथ में मेरा परचेस ऑर्डर नहीं है तब तक तू कोई मटेरियल देगा नहीं. मतलब मैं बोलूंगा कि भाई 200 नोटबुक रिक्वायर्ड, परचेस ऑर्डर, साइन, ये जब लेके आएगा तभी दे देना, एंड मंथली जब मैं बिल पे करूंगा तब मैं सारे परचेस ऑर्डर भी चेक करूंगा. इनफैक्ट तूने मुझे बिल देने की जरूरत ही नहीं रहेगी, मेरे पास खुद के पास रिकॉर्ड रहेगा ना, मैंने एक एंटरप्राइज को कितने परचेस ऑर्डर भेजे, कितने बोलो परचेस ऑर्डर भेजे, मेरे पास खुद के पास रिकॉर्ड रहेगा कि नहीं. आपको समझ, थोड़ा बहुत सिचुएशन में घुस गए क्या आप बताओ. ये परचेस ऑर्डर भेजना जरूरी है कि नहीं? सप्लायर को भी फिक्स है ना भाई इसने ऑर्डर दिया है करके, उसके पास भी एक प्रूफ है ना, वो सप्लायर के पास भी प्रूफ है कि नहीं. आप समझ रहे हो क्या? तो आप समझो सप्लायर को ऑर्डर मिल गया, कितना किलोग्राम का ऑर्डर मिल गया, 2 लाख किलोग्राम, रॉ मटेरियल पी, उसने वो ऑर्डर प्रोसेस कर दिया एंड उसने वो भेज दिया. अब ये गुड्स कहां आएंगे बोलो, ये गुड्स कहां पर आएंगे? ये गुड्स आएंगे अभी बायर्स फैक्ट्री गेट पे. कहां पे आएंगे? बायर्स फैक्ट्री गेट पे गुड्स आ रहे हैं. क्या लिखो मैं इसमें बोलो, बायर्स फैक्ट्री गेट, यहां पे मैं लिख रहा हूं बायर्स फैक्ट्री गेट. तो आप बताओ बच्चों बायर्स फैक्ट्री गेट पे जब आ रहा है तब वो जो गुड्स आ रहा है, गुड्स के साथ साथ में वो और एक डॉक्यूमेंट लेके आएंगे जिसको वो बोलते हैं डिलीवरी चालान. क्या बोलते हैं? तो मेरा जो फैक्ट्री गेट पे वॉचमैन खड़ा है वो डिलीवरी चालान पे स्टैम्प मारता है कि भाई इतना मटेरियल आ गया कंपनी के अंदर. यस और नो? वो डिलीवरी चालान बिकम्स अ प्रूफ कि गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड. बट अब वो गुड्स डिलीवरी हो गए, बट वो गुड्स बराबर है क्या, जो मैंने मंगवाया था वही है क्या? मैंने नहीं तो पता चला मैंने रॉ मटेरियल पी मंगवाया था, उसने रॉ मटेरियल क्यू भेजा है, मैंने रेड कलर में मंगवाया था उसने ब्लू कलर में दे दिया है, मैंने 2 mm के विड्थ में मांगा था उसने 4 mm विड्थ में दिया है. बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस रहेंगे कि नहीं? तो ये गुड्स अब जाएंगे और एक डिपार्टमेंट में, एंड उस डिपार्टमेंट का नाम होता है टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट. कौन सा नाम बोलो? एंड टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट चेक करेगा। बच्चों क्या चेक करेगा? बोलो, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट चेक करेगा कि वेदर गुड्स आर मैचिंग द क्वालिटी और नॉट। जो क्वालिटी हमने सोचा था, जो मंगवाया था, वही आया क्या? वही प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में आया क्या? वही क्वालिटी में आया क्या? वही साइज में आया क्या? वही कलर में आया क्या? सब चेक होगा कि नहीं? यहाँ पे कौन चेक करेगा? बोलो, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? एंड जब बायर्स गेट, फैक्ट्री गेट से जब गुड्स अंदर आएंगे, वहां पे एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसका नाम है गेट पास। क्या बनता है? मतलब गुड्स आ गए, जैसे कभी आपने ऑफिस में सुना रहेगा इनवर्ड रजिस्टर्ड, आउटवर्ड रजिस्टर्ड। क्या इनवर्ड? अब जैसे कि समझो मेरे ऑफिस से मैं किसी को पेन ड्राइव भी दे रहा हूं, तो उसको बोलता कि भाई एक साइन कर यहाँ पे कि तू पेन ड्राइव लेके गया, तू पेन ड्राइव लेके गया, मतलब आउटवर्ड रजिस्टर्ड है ना। वो मेरे ऑफिस में कुछ आया तो मैं बोलता हूँ कि भाई, ऑफिस वालों को बोलता हूँ कि मैं रिकॉर्ड मेंटेन करो कि 200 बुक आ गए, 500 बुक आ गए, क्योंकि बाद में वो बोलते हैं ना, नहीं सर मैंने रात को डिलीवरी दिया था, दोपहर में दिया था, आप पता नहीं आपने कहाँ गुम कर दिया। तो मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना उसका, यस और नो। तो गेट पास बनता है। क्या बनता है? गेट पास से गुड्स अब कहां तक पहुंचे? बोलो, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। कहां तक पहुंचे? एंड टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट गुड्स चेक करेगा और देखेगा कि भाई गुड्स प्रॉपर कलर, प्रॉपर शेप, समझ रहा है नहीं, जो भी हमने मंगवाया था वही है क्या, करेक्ट है। एंड वंस टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इज सेटिस्फाइड कि गुड्स आर ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, ये गुड्स कहां दिए जाएंगे? बोलो, स्टोर डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। और यहां पे बनता है जीआरएन। क्या बनता है? जीआरएन का फुल फॉर्म होता है गुड्स रिसीव्ड नोट। क्या बनता है? जीआरएन बन गया एंड यहां पे गुड्स स्टोर डिपार्टमेंट में आ गए। समझा क्या? एंड स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू होते हो सकते हैं, यस और नो। अच्छा समझो बच्चों, ये और एक डिपार्टमेंट है समझो, जिसका नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। क्या है? बोलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। ध्यान दे रहे हो क्या? समझो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का रिक्वायरमेंट था, वैसे कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का भी रिक्वायरमेंट है। तो उसका रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो क्या करेगा? हाँ बोलो, वो एक नोट भेजेगा। किसको? स्टोर डिपार्टमेंट को। क्या बोलेगा? स्टोर रिक्विजिशन नोट कि भाई मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए। वो बोलेगा मुझे 8000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल क्यों चाहिए, रॉ मटेरियल क्यों चाहिए, रॉ मटेरियल आर चाहिए। कुछ तो लिखेगा कि नहीं वो, यस और नो। समझो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के पास कुछ रॉ मटेरियल एक्सेस है। रॉ मटेरियल उसने 50,000 किलोग्राम तो मंगवाया था, बट अब उसका प्लान कैंसिल हो चुका है एंड या जो भी कुछ है, अब उसको रॉ मटेरियल की जरूरत। कैन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्टली गिव टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2? वो डायरेक्टली दे सकता है क्या? तो आंसर इज यस, दे सकता है। बट वहां पे वो एक नोट बनाएगा जिसका नाम है मटेरियल ट्रांसफर नोट। क्या बनाएगा? एंड ये जो भी नोट्स बन रहे बच्चों, ये जितने भी नोट्स जहां जहां पे है, सबका एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होता है। सबका बोलो, एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होता है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज अवेयर अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग इन द कंपनी और नॉट, मतलब कहां किसने मटेरियल दिया, किसको दिया, सब पता है या नहीं है। अच्छा सुनो, समझो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के पास कुछ मटेरियल एक्सेस है, कुछ मटेरियल जो किसी और डिपार्टमेंट को चाहिए भी नहीं। तो टेल मी, कैन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिटर्न इट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टू द स्टोर डिपार्टमेंट? बोलो, स्टोर डिपार्टमेंट को वापस दे सकता है क्या वो? तो यहां पे बनेगा मटेरियल रिटर्न नोट। क्या बनेगा? मटेरियल रिटर्न नोट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर डेबिट नोट। इसको क्या बोला जाता है? स्टोर डेबिट नोट, या उसको शॉप क्रेडिट नोट ऐसा भी बोला जाता है, बाद में लिख के दूंगा मैं। मटेरियल रिटर्न नोट इज ऑल्सो नोन एज, बोलो, स्टोर डेबिट नोट और शॉप क्रेडिट नोट। स्टोर डेबिट नोट और शॉप क्रेडिट नोट। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? अब बताओ, समझो कुछ स्टोर डिपार्टमेंट के पास कुछ मटेरियल एक्सेस है, कुछ मटेरियल जो उसने परचेज तो करके रखा है, बट अब उसको लगता है कि ये कभी अपने कंपनी में यूज ही नहीं आने वाला है। तो हो सकता है क्या वो सप्लायर को वापस दे? हो सकता है क्या सप्लायर को वापस दे? हो सकता है, ऐसा कुछ पॉलिसी रहा तो सप्लायर को वापस भी दिया जा सकता है। इसको बोला जाएगा परचेस रिटर्न। क्या बोला जाएगा? तो ये मटेरियल रिटर्न नोट बनेगा या परचेस रिटर्न नोट बनेगा? परचेस रिटर्न, मटेरियल रिटर्न मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर को वापस दिया है, बट अगर स्टोर ने सप्लायर को भी वापस दिया तो क्या होगा, परचेस रिटर्न नोट, क्या बनेगा, परचेस रिटर्न नोट। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? आप बताओ बच्चों, अब ये जो प्रोसीजर मैंने लिख के दिया है आपको, ये आपको पहला जो थोड़ी देर पहले बताया था डिसेंट्रलाइज, उससे फुल प्रूफ लग रहा है कि नहीं बताओ। अब यहां पे फ्रॉड के चांसेस कम है कि नहीं बताओ। अब यहां पे किसी को फ्रॉड करना है ना बच्चों, तो कितने लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यस और नो? एक भी बीच में ईमानदार आ गए तो प्रॉब्लम है ना फिर फ्रॉड करने वाले को, यस और नो? पर इंस्पाइट ऑफ दैट कुछ होते रहेंगे, क्योंकि इंडिया में सब लोग मिलजुल के भी बहुत काम करते रहते। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? एनीवे, बट वो फ्रॉड वाज वन ऑफ द पॉइंट बच्चों। क्या ना इससे रिकॉर्ड बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, कौन से जॉब ने कितना मटेरियल कंज्यूम किया ये प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है अपने पास, कब कौन से डिपार्टमेंट को कितना मटेरियल इश्यू हुआ, उसका क्या कॉस्ट था, ये सब रिकॉर्ड कंपनी के पास मेंटेन होता है। तो ये कौन सा प्रोसीजर है बोलो, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर। डू यू थिंक इट इज लेंथी? यस इट इज लेंथी, इट इज लेंथी, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो ये मैनेज हो सकता है क्या बच्चों? कब अपने को समझो 15 दिन के बाद ये प्रोडक्शन चाहिए, तो ये प्रोडक्शन चाहिए तो इतना रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली स्टोर डिपार्टमेंट एडवांस में बाय करके रख सकता है कि नहीं, रॉ मटेरियल बाय करके रख सकता है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या? तो ये कौन सा प्रोसीजर था बच्चों बोलो, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर। क्या था ये आप मुझे बताओ बच्चों, ये कौन से कंपनीज के लिए सूटेबल है, स्मॉल कंपनीज और बिग कंपनीज? बिग कंपनी, स्मॉल कंपनीज मे नॉट गो फॉर दिस, क्योंकि स्मॉल कंपनीज क्या होता है, सब कुछ उसके हाथ सामने सामने चलता रहता है, छोटा सा ट्रांजैक्शन से, समझ रहा है कि नहीं, जहां पे सब कुछ सामने प्रोपराइटर के आमने सामने होता रहता है, तो वो अननेसेसरी प्रोसीजर में पैसा स्पेंड नहीं करेगा ना, यस और नो? उसके पास वो अकेला ही है, उसके साथ और एक दो लोग है, यहाँ पे इतने डिपार्टमेंट्स है भी नहीं उसके पास, करेक्ट और नॉट? तो इन दैट केस ही मे गो फॉर डिसेंट्रलाइज और नॉट, ही मे गो फॉर। अच्छा, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, मैं लास्ट बैच में एक बच्चे ने बताया था मुझे, ऐसे समझो, ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे लेट्स से ये लड़का लेट्स से यहाँ पे डेक्कन में कहीं पे अपनी फैमिली के साथ रहता है, सुन रहे हो क्या? एक दिन सुबह उठा 7 बजे एंड बालकनी में आके ब्रश कर रहा है, बालकनी में आके, एंड बालकनी में उसको नीचे कुछ तो दिखा जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सुबह लोग जॉगिंग वगैरह करते हैं ना, देख रहा है, ब्रश गिर गया। क्या गिर गया? ब्रश गिर गया। उस दिन तो काम चला लिया उसने, बट अब मम्मी को बोला, मम्मी वो मेरा ब्रश गिर गया, मुझे एक ब्रश चाहिए, टूथब्रश चाहिए, मुझे एक टूथब्रश चाहिए। मम्मी को बताया उसने, मम्मी बोली थी परसों तुझे टूथब्रश दिया था, आज टूथब्रश नया चाहिए, एक काम कर मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेज। क्या भेज? एंड प्रॉपर फॉर्मेट में भेज, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, समझ रहा है कि नहीं, पहले का स्टॉक क्यों खत्म हुआ, सब लिखो उसके ऊपर। ये बोलेगा जी मम्मी, मटेरियल इक्वेशन नोट बना दिया उसने, दे दिया स्टोर को, मम्मी मतलब स्टोर डिपार्टमेंट पकड़ो ना। फिर मम्मी पूछ रही है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कि भाई इसको जो एक टूथब्रश चाहिए वो रिक्वायरमेंट जेन्युइन है क्या? वो बोलेगा कि परसों अगर ब्रश इश्यू हुआ है तो आज जेन्युइन नहीं है। फिर उसको क्लैरिफिकेशन पूछा जाएगा कि क्यों भाई, क्यों चाहिए? वो बोलेगा कि बालकनी में खड़ा था, ब्रश गिर गया, अब कितनी बार बताऊं? इसको बताया जाएगा वापस, वो बोलेगा ओके चलो टिक, जेन्युइन रिक्वायरमेंट। समझा क्या? फिर बताया जाएगा सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट को, पप्पा परचेस डिपार्टमेंट, पर पप्पा बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे डायरेक्ट परचेस नहीं हो सकते, मैं एक 2-3 दिन सप्लायर का एनालिसिस करता हूं, अलग अलग जगह से कोटेशंस लेता हूं, करेक्ट है कि नहीं? फिर देखूंगा कि कौन रिलायबल ब्रश का सप्लायर है, उसका पास्ट रिकॉर्ड्स, ट्रैक रिकॉर्ड्स, अबाउट हिज क्वालिटी रिपोर्ट्स, सब स्टडी करूंगा, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करूंगा, परचेस ऑर्डर भेजूंगा। पप्पा ने परचेस ऑर्डर भेजा 3 दिन के बाद, फिर सप्लायर को परचेस ऑर्डर मिल गया, फिर सप्लायर ने बायर्स फैक्ट्री गेट पे ब्रश भेज दिया, फिर ब्रश को मम्मी ने राइट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास भेज दिया, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, तुम्हारी सिस्टर वो देख रही है ब्रश, बराबर है कि नहीं? वो बोलेगी ओके मैचिंग द रिक्वायरमेंट। फिर जीआरएन बन गया, गेट पास बन गया, डिलीवरी चालान, फिर आ गया स्टोर के पास ब्रश, और फिर स्टोर ने इशू कर दिया इसको, ये चक्कर में 15 दिन ब्रश किया नहीं। आप बताओ बच्चों, ऐसे छोटे मोटे जगह पे आपने ये सिस्टम यूज करना चाहिए था क्या? तो बड़े कंपनीज में यूज होता रहेगा। इनफैक्ट आज ये भी आउटडेटेड है बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीआईटी अपने सिलेबस में, इसलिए मैं सिखा रहा हूं आपको। जीआईटी समझता है क्या आपको? जस्ट इन टाइम, क्या जहां पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैकवर्ड वर्किंग किया जाता है। क्या किया जाता है? बैकवर्ड वर्किंग, जो तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैकवर्ड वर्किंग किया जाता है। एंड समझो जिस दिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए रहता है उसी दिन वो सप्लायर से आता है एंड डायरेक्ट प्रोडक्शन फ्लोर पे डिलीवरी आता है। प्रोडक्शन ना बीच में स्टोर के पास पड़ा है, ना कुछ उसका स्टोरेज है, ना कुछ। समझ रहा है कि आपको ये परचेस कैसे होता है? जस्ट इन टाइम, जस्ट इन। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज का कॉस्ट इज केप्ट एट अ मिनिमम लेवल। स्टोरेज का कॉस्ट इज केप्ट एट अ मिनिमम लेवल। चलो वो बाद में देखेंगे, अभी ये समझा क्या बताओ। ये जो मैंने लिख के दिया है ये कौन सा प्रोसीजर है? बोलो, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। क्या है ये? सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। एंड डेफिनेटली इट इज सुटेबल फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लिख के लोगे क्या? आपके पास एक ब्लैंक पेज है ना? क्या पेज नंबर? 110। तो 110 पे आप ये सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर के बारे में लिख देना मेरे भाई। लिख रहे हो क्या? दिख रहा है क्या आपको ये सबको? कुछ पढ़ने नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। वापस पढ़ू क्या मैं एक जगह कॉर्नर से? बराबर। डिजाइन वगैरह बाद में किया तो चल सकता है, इंपॉर्टेंट है आप ये लिख रहे हो। डेकोरेशन नहीं चाहिए मुझे, प्रेजेंटेशन चाहिए। क्या चाहिए? प्रेजेंटेशन। स्टोर डिपार्टमेंट से चालू करो। स्टोर डिपार्टमेंट सेंट्रल में जिस प्रोसेस, जैसे हम सीक्वेंस में गए उस सीक्वेंस में जाओ ना यार, मतलब थोड़ा अपने को भी समझेगा ना। लिख रहे हो क्या सब लोग? सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर, स्टोर डिपार्टमेंट लिखो सेंटर में। चुप बैठूंगा मैं थोड़ी देर, तुम यही बोलना चाहते हो ना? एक्चुअली यही बोलना चाहते हो ना? चुप बैठ भाई अभी थोड़ा। उधर देखो, मैं जूम कर सकता हूं बट कौन से पोर्शन पे जूम करूं ना, वहां हर आदमी अलग अलग जगह पे कॉपी कर रहे हैं, है कि नहीं? मैं कितना भी जूम कर सकता, इतना भी कर सकता हूँ। देखो पूरा स्टोर डिपार्टमेंट इतना भी, बट हर आदमी अलग अलग जगह पे कॉपी कर रहा है ना, तो थोड़ा लिमिटेशन है बेटा, है ना? लगे तो मैं थोड़ा बाजू में हट जाता हूँ। हाँ, मेरी वजह से चमक रहा है ना वो, है ना? रक्षाबंधन की छुट्टी ना, क्लास को तो छुट्टी नहीं है, तुम चाहो तो ले लो। जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे, लिख रहे हो क्या भाई सब लोग? एंड और एक चीज़, जो लोग ऑनलाइन है जो भी है, मैं आपके सेपरेट जूम सेशंस लूँगा, जो भी कुछ है आपके डाउट सब क्लैरिफाई करूंगा। एंड आई एम श्योर, मैं day 1 से बोल रहा हूँ, आप सिर्फ मार्क करके रखोगे इसमें, ये वैसे भी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सब लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया क्या? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, मैंने उसमें चैप्टर 1 के नोट्स भेजे, देखे क्या आपने? देखे क्या? विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसमें मैंने चैप्टर 1 के नोट्स आपको भेजा है PDF। ठीक है, हो गए। हो गए क्या बेटा? ड्रॉ करके हो गए, डिजाइन घर जाके कर लो, कलर वगैरह बाद में भरो, बाकी मेन कंटेंट कॉपी कर रहे हो क्या आप? कुछ अगर आपको लग रहा है कि सर ये रीडेबल नहीं है तो आप मुझे बताओ, बताओ कौन से 2 डिपार्टमेंट के बीच का आपको क्या पढ़ते नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है ना, बहुत खतरनाक टाइम है ना ये, फुल खाना खा के आते रहेंगे, है ना? जोरदार खाना पसंद नहीं आ रहा है। घर के जैसा मिल नहीं रहा है क्या? तो घर ही बना लो फिर इधर। इतना तो टाइम लगता है घर बनाने के लिए। एक CA इंटर, एक CA फाइनल, है ना? दोनों मिलके CA एस्पायरेंट, फुल हार्डवर्क, है ना? क्या बोले थे बेटा? बहुत अच्छा खाना मिल रहा है ना? चलो, हो गए क्या मेरे भाई? तो ये था सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। क्या था ये? सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। एग्जैक्ट सब सिस्टम समझा क्या आपको? ये कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ बनता है समझा क्या आपको? ये कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ बनता है समझा क्या? GRN कहाँ बनता है? GRN टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। एंड कहाँ भेजा जाता है वो? स्टोर डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट को बोला है बेसिकली, बट GRN के 5 कॉपीज बनते हैं। कितने? 5 कॉपीज GRN के। 5 कॉपीज बनते हैं. ध्यान दे रहे हो क्या? 1 कॉपी विल बी सेंड टू स्टोर डिपार्टमेंट. अगले पेज पे जाओ, आपको दिखेगा 5 कॉपीज ऑफ जीआरएन. दिख रहा है क्या? तो 1 कॉपी विल बी सेंड टू स्टोर डिपार्टमेंट. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुक का स्पायरल बाइंडिंग जल्द से जल्द करके ले लो. स्पायरल बाइंडिंग बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, दिख रहा है मुझे, बट बहुत सारे नहीं भी दिख रहे अभी तक, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है लिखना स्पायरल बाइंडिंग पे करने के बाद. बराबर है ना, है या नहीं? तो जीआरएन का एक कॉपी कहां जाता है? बोलो, स्टोर डिपार्टमेंट. दूसरा कॉपी विल बी सेंड टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, याद है क्या, कि 1 कॉपी विल बी सेंड टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट. फिर वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, 1 कॉपी विल ऑलवेज गो टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट. 1 कॉपी ऑफ जीआरएन विल गो टू सप्लायर. 1 कॉपी ऑफ जीआरएन विल गो टू सप्लायर. को भी पता चलना चाहिए ना कि भाई गुड्स जो तूने भेजे थे वो एज पर डिजायर्ड क्वालिटी है और हमने वो एक्सेप्ट कर लिए, यस और नो. देन 1 कॉपी विल गो टू द डिपार्टमेंट हु इनिशिएटेड दिस प्रोसेस. हु बोलो, इनिशिएटेड परचेस प्रोसेस. तो ये परचेस प्रोसेस जिसने इनिशिएट किया उस डिपार्टमेंट को एक कॉपी जाएगा. एंड 1 कॉपी विल बी रिटेन्ड. 1 कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय, बोलो, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट. कल जाके उनको भी पता होना चाहिए ना अपन ने क्या क्या चेक किया है, करेक्ट और नॉट, एंड क्या क्या रिपोर्ट्स अपन ने भेजे. टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट. टेस्टिंग एंड, बोलो, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट. समझा आपको ये? तो 5 कॉपीज ऑफ जीआरएन कहां कहां पे जाते हैं लिखे क्या आपने? ये सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर पूरा लिखा है क्या बच्चों? ये 5 कॉपीज ऑफ जीआरएन कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने? ओके, देखो बच्चों, आप सुनो, कल जाके सुनो, प्लीज सुनो, अच्छे से सुनो. कल जाके समझो आप लेट से सीए इंटरमीडिएट पास होके लेट से बिग 4 में कहीं आर्टिकलशिप कर रहे हो, इमेजिन करो, ओके. एंड समझो आप लेट से बजाज ऑटो को ऑडिट करने गए. किसका? बजाज ऑटो को ऑडिट करने गए. एंड वहां पे आप देख रहे हो कि बजाज ऑटो ने एक पिंपरी चिंचवड में कोई लेट से महावीर सप्लायर्स बोल के कोई एक वर्कशॉप था. क्या था? महावीर सप्लायर्स. सुन रहे हो क्या? वो महावीर सप्लायर को 5 करोड़ का पेमेंट किया है. कितना? रॉ मटेरियल परचेज बोल के. क्या पेमेंट किया है? रॉ मटेरियल परचेज. किसने पेमेंट किया है? बजाज ऑटो. किसको पेमेंट किया है? महावीर सप्लायर्स को किया है ना. सुन रहे हो क्या? अब तुम्हें दिख रहा है कि वहां पे पेमेंट हो चुका है, प्रॉपर टीडीएस करके, समझ रहा है ना, पेमेंट हो चुका है. आपने पूछा कि भाई ये किस बात का पेमेंट है? भाई ये, वो बोल रहा है कि भाई सर रॉ मटेरियल RX 32/19/23 बाय हुआ है. आपको घंटा नहीं समझ रहा इसमें से कौन सा रॉ मटेरियल. अभी सबको समझना एक्सपेक्टेड है क्या? ये ऑटोमोबाइल में क्या क्या पार्ट यूज होते हैं, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होते हैं, पता है क्या आपने को ये? तो आप बताओ बच्चों, आप क्या करोगे? आप पेमेंट जेन्युइन टिक करके छोड़ दोगे क्या? फिर आप क्या बोलोगे? भाई ये रॉ मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है ये कौन से डिपार्टमेंट का है? वो डिपार्टमेंट का रिक्वेशन नोट दिखाओ. क्या दिखाओ? स्टोर रिक्वेशन नोट दिखाओ. यस और नो? एक काम करो, चलो बिल ऑफ मटेरियल का एक कॉपी दिखाओ जहां पे प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये जॉब ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए होता है. यस और नो? फिर आप बोलोगे अच्छा आपने फिर महावीर सप्लायर्स को ऑर्डर प्लेस किया था ना, चलो एक पीओ का कॉपी बताओ. क्या बताओ? परचेस ऑर्डर का कॉपी बताओ. समझो सारे कॉपी बता दिए, बट आप बताओ रॉ मटेरियल कंपनी में आया ही नहीं था एंड पेमेंट हुआ है. आपको कैसे पता चलेगा? तो आपने आधा अधूरा चेक किया ना, इसलिए आपको नहीं समझा, आपका ध्यान नहीं है यहां पे. तो आपने क्या चेक करना चाहिए था? साथ साथ में डिलीवरी चालान का एक कॉपी दिखाओ, गेट पास का कॉपी दिखाओ, जीआरएन का कॉपी दिखाओ. यस और नो? आप बताओ ये सारे कॉपीज अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास है क्या? सब कुछ है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास, सब कुछ है. एंड आप एज एन ऑडिटर टिक करोगे ना उसको, फिर हाँ ठीक है भाई ये सब ठीक है, ये ट्रांजैक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं. बट आप चेक करने के लिए आपको खुद को तो मालूम चाहिए ना. यस और नो? ये लेकिन ये नो डाउट आप कॉस्ट ऑडिट आप बहुत कम चांस रहेगा कि आप करोगे. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? बट आपको कल जाके ये पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि नहीं? तभी तो आप चेक कर पाओगे ना, यस और नो। तो कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से डिपार्टमेंट में बनता है, क्यों बनता है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या बच्चों? कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पे बनता है, क्यों बनता है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या? तो ये कौन सा प्रोसीजर है बोलो? सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। क्या है ये? सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। अब एक सिंपल क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करना है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। तो प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिखेंगे अपन, लिखेंगे क्या भाई? तो पहले क्या लिखेंगे? सेंट्रलाइज एंड अगला डिसेंट्रलाइज। तो राइट डाउन सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस एंड राइट साइड में डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। पहला लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना सेंट्रलाइज, राइट में डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस, डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस एंड इधर डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। हाँ चलो बताओ, आप एक आधा पॉइंट मुझे बता सकते हो तो मुझे बताओ। कैन आई से फर्स्ट पॉइंट इज, सुन रहे ध्यान है सबका, इन सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर duplication of work is avoided. Duplication of work is, कैसे duplication avoid होता है? Decentralized में एक ही requirement, एक ही raw material का requirement बार बार बाय हो रहा है कि नहीं, अलग अलग सप्लायर से बाय हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना अलग अलग ऑर्डर प्लेस कर रहा है ना। तो अगर एक ही ऑर्डर प्लेस करते तो बेटर था कि नहीं? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कुड हैव बीन अवॉइडेड और नॉट। तो राइट डाउन सेंट्रलाइज में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक ही काम जो अननेसेसरी बार बार हो रहा है वो अवॉइड हो रहा है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। सेंट्रलाइज में हाँ बोलो, देयर इज लॉट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, लॉट ऑफ बोलो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। बहुत सारा वर्क डबल 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 वही हो रहा है, बराबर है ना। सेम ही रॉ मटेरियल का अलग अलग ऑर्डर जा रहा है, यस और नो? और बताओ, कैन आई से सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस इज यूनिफॉर्म, इज बोलो यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज, यूनिफॉर्म एंड, कैन आई से देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। समझा क्या आपको? ये यहां पे क्या होता है, कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है, कोई भी सप्लायर चूज कर लेता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पेमेंट करना पड़ता है, यस और नो? तो राइट डाउन देयर इज यूनिफॉर्मिटी, देयर इज यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, देयर इज यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन परचेस प्रोसीजर, there is uniformity and standardization in purchase procedure. इधर क्या लिखो? no uniformity, बोलो no uniformity and standardization in purchase procedure. uniformity standardization missing है यहां पे, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। चलो और बताओ, अच्छा सुनो ध्यान से, सेंट्रलाइज अगर बाय करेंगे तो कैन आई से आपको डिस्काउंट का बेनिफिट मिल सकता है? नहीं समझा आपको, क्यों डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि एक ही परचेस डिपार्टमेंट है, वो बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस करेगा। तो मैं डिस्काउंट की जगह ऐसे बोलूंगा बच्चों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अवेलेबल। क्या बोलूंगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब तुम ज्यादा बड़ा ऑर्डर एट ए टाइम प्लेस कर रहे हो, इसकी वजह से बेनिफिट आपको डिस्काउंट के फॉर्म में मिल रहा है ना, उस बेनिफिट को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमीज। क्या बोलेंगे? ऑफ स्केल, स्केल मतलब लार्ज स्केल, समझ आए ना? तो राइट डाउन इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अवेलेबल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक काम करो सेफर साइड ब्रैकेट में लिखो बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट, बेनिफिट ऑफ बोलो डिस्काउंट बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ बोलो मेरे भाई बल्क बाइंग. इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अवेलेबल, अवेलेबल कहां है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर में इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अवेलेबल. इधर क्या लिखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर नॉट अवेलेबल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट इज बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट बिकॉज ऑफ बल्क बाइंग, बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट बिकॉज ऑफ बल्क बाइंग इज नॉट अवेलेबल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर नॉट अवेलेबल, आर नॉट अवेलेबल कैन आई से बिकॉज ऑफ पीसमील ऑर्डर्स. नहीं समझा आपको, बिकॉज ऑफ बोलो पीसमील ऑर्डर्स. पीसमील ऑर्डर मतलब छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्डर जा रहे हैं, पीसमील ऑर्डर्स है ना ये, उसकी वजह से पीसमील ऑर्डर्स की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर नॉट अवेलेबल. नेक्स्ट वो फ्रॉड का स्कोप है नहीं है ये हम यहां पे ऑफिशियली नहीं लिख सकते, मैं आपको समझाने के लिए बोला था वो, क्योंकि फ्रॉड तो उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है. समझा क्या? इनफैक्ट आपको बता दूं सेंट्रलाइज में जब फ्रॉड होते हैं ना तो बहुत ही बड़े होते हैं फिर, क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसमें. आपको क्या लगता है इंडिया में फ्रॉड नहीं होते क्या मेरे भाई? सब कुछ सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी करप्ट होता है, करेक्ट और नॉट? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का भी अपना हिस्सा होता है उसमें, होता है कि नहीं होता है आप बताओ. आपको आप तो अभी आप आर्टिकलशिप करोगे बिजनेस करोगे आगे जाके तो दुनियादारी तो आपको और बेटर समझेगी, है कि नहीं? अभी तो आप थोड़ा बहुत थियोरटिकल एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो तो उसमें थियोरी ज्यादा है. अभी धीरे 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 प्रैक्टिकल समझेगा ना तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. समझता है कि आपको ये तो जरूरी, हम ऐसा लिख नहीं सकते यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रॉड का चांसेस है उधर नहीं है एंड ऑल दोस थिंग्स. समझ रहा है कि आपको ये? बट डेफिनेटली राइट एज अ कॉमन सेंस वी कैन से डिसेंट्रलाइज में बहुत ज्यादा फ्रॉड के चांसेस है, क्योंकि हर एक परचेज डिपार्टमेंट हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर इज फ्री टू टेक हिज ओन डिसीजंस अबाउट परचेज. समझा क्या आपको ये? तो सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट में मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, सेंट्रलाइज परचेज प्रोसीजर इज टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी. सेंट्रलाइज परचेज प्रोसीजर इज बोलो टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी. बट नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग रहते हुए भी इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है, बट अगर तुम प्रॉपर प्लान करोगे तो. बट यहां पे आज ही ऑर्डर मिला है अपने को एंड फटाफट रॉ मटेरियल बाय करो, फटाफट ये करो, ये काम ऐसे स्टंट यहां पे नहीं हो सकते, करेक्ट और नॉट? क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर है, इसमें एक बोलो प्रोसीजर है. तो लिखो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी. अब बताओ इधर क्या लिखो, इट इज रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग, इट इज रिलेटिवली बोलो लेस टाइम कंज्यूमिंग, इट इज रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस लिखो फास्टर परचेसेस कैन बी मेड, faster purchases can be made at low administration cost, faster purchases can be made at bolo low administration cost, faster purchases can be made at low administration cost. समझ में आ रहा है क्या बच्चों ये? नेक्स्ट पॉइंट लिखो in centralized there is lesser flexibility, lesser bolo and motivation to divisional managers, टू, बोलो मेरे भाई ऐसे क्यों? लेसर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब टू डिविजनल मैनेजर्स। क्यों बच्चों ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी कम है ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो खुद का डिसीजन नहीं ले सकते कभी। सुन रहे हो क्या? अच्छा सुनो ध्यान से, सुन रहे हो क्या? समझो हमारे ऑफिस से हमारा एक प्रिंटर है मानस एंटरप्राइजेस बोल के, सुन रहे हो क्या, जो हमारे टैक्स इनवॉइसेस प्रिंट करता है। क्या करता है? उसका भी एक बुक रहेगा ना हमारा, सुन रहे हो क्या भाई? तो समझो हमारे ऑफिस ने किसी से फोन किया मानस एंटरप्राइजेस में, एंड वो बोल रहा है कि भाई रेड्डी सर ने बोला है कि 100 टैक्स इनवॉइसेस के 5 बुक, मतलब वो 5, समझ रहे हैं ना आपको, 5 सेट 500 टैक्स इनवॉइसेस भेज दो ब्लैंक। सुन रहे हो क्या? वो बोलेगा हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं, रेड्डी सर से कंफर्म करता हूं। समझा क्या? हमारे ऑफिस से वो बार बार बोल रहा है कि रेड्डी सर ने बोला है कि उनको पूछने की जरूरत नहीं है, तू प्रिंट करके भेज दे। समझा क्या? वो बोलेगा कोई नहीं बात नहीं, मैं रेड्डी सर को एक व्हाट्सएप करता हूं, उनका कंफर्मेशन आते ही प्रिंट करता हूं। समझा क्या? वो बोलेगा हमारे ऑफिस से बोल रहा है भाई अर्जेंट है सर, काम में अभी अभी सर तेरे को रिप्लाई नहीं कर सकते। वो बोलेगा ठीक है बहुत अर्जेंट है बोल रहा है इसलिए प्रिंट करके रखता हूं, बट रेड्डी सर का जब तक व्हाट्सएप आता नहीं तब तक भेजूंगा नहीं। समझा क्या? क्यों इतना रेजिस्टेंस है उसका? क्योंकि मैंने उसको बोल के रखा है जब तक मैं ऑथोराइज नहीं करूं कुछ भी हुआ तो ये बुक तू भेजेगा नहीं। समझा क्या? नहीं रिस्क है ना बॉस उसमें। यस और नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कहीं ना कहीं देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट और नॉट। तो जहां पे बहुत सुपर इंपॉर्टेंट मटेरियल है किसी ना किसी के पास इसका कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं? आप बताओ डिसेंट्रलाइज में है क्या कंट्रोल ऐसा कुछ? डिसेंट्रलाइज में तो कोई भी उठ के ऑर्डर प्लेस कर रहा है। यस और नो? तो आप मुझे बताओ कहीं ना कहीं हमारे ऑफिस के मैनेजर को थोड़ा सा खराब फील आएगा कि नहीं? थोड़ा सा खराब फील आएगा कि नहीं? बताओ उसको क्या लगेगा? अरे यार मैं 4 बार बोला यार, मतलब नो डाउट जरूरी है, हर कोई डिसीजन हर आदमी नहीं ले सकता ना यार। यस और नो? किसी के पास तो पूरा पूरा कंट्रोल चाहिए ना, करेक्ट और नॉट? कहीं ना कहीं नो, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा मेरे से होगा, ऐसे करोगे तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बनेगा ही नहीं। इसलिए एक थ्योरी है जो तुम्हारे लिए काम ही नहीं आएगा बट बताता हूं कि कभी भी याद रखना, कल जाके कोई भी बिजनेस करोगे तो कीप द सेंट्रलाइज कंट्रोल, कीप द बट मेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसेंट्रलाइज, मेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसेंट्रलाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दो बट कंट्रोल सेंट्रलाइज रखो, कंट्रोल सेंट्रलाइज रख दो। समझा क्या आपको? ये बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, हाँ भाई तू ये क्लासरूम का ये सब कुछ सेटअप करेगा, कैमरा वगैरह एडजस्टमेंट तू करेगा, ये तू करेगा, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है। अब मुझे कुछ पूछने का नहीं, इस जो मैंने तुम्हें बोला है इस फ्रेमवर्क में यू आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन विद इन द गिवन फ्रेमवर्क, विद इन द गिवन फ्रेमवर्क यू आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन। मुझे ये काम 1.5 दिन में कंप्लीट चाहिए, मुझे ये काम 1.5 दिन में कंप्लीट चाहिए। कंट्रोल सेंट्रलाइज था या नहीं था? बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज डिसेंट्रलाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज डिसेंट्रलाइज। एनीवे उसका कुछ काम नहीं अपने को। समझ में आ रहा है कि आपको ये यहाँ पे डिविजनल मैनेजर को कम फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कोई डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है एंड उनको मोटिवेशन भी कम रहेगा ना फिर डिसीजन में, करेक्ट और नॉट? क्योंकि उनके हाथ में डिसीजन ही नहीं है। एंड इधर क्या रहेगा बोलो? डिसेंट्रलाइज में बोलो देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज अ बोलो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन टू डिविजनल मैनेजर्स, टू बोलो मेरे भाई डिविजनल मैनेजर्स, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन टू द डिविजनल मैनेजर्स। तो आप बताओ बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस का डिफरेंस लिखो, तो आपको डिफरेंस लिखते आएगा क्या? आपको कल जाके मैं कभी भी डिफरेंस पूछा तो आपको फटाफट 3-4 पॉइंट 4-5 पॉइंट बताते आएंगे क्या? एक बार पढ़ो, मैं 2 मिनट वेट करता हूं आपके लिए, प्लीज पढ़ो, मतलब पढ़ो, एक दूसरे का मुंह देखो नहीं। सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस वर्सेस डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। centralized versus decentralized. हो गए क्या? समझा क्या आपको? कुछ मजा आया क्या फिर ये दोनों में? ओके, तो मैंने आपको आज के लेक्चर की शुरुआत में सबसे पहला पॉइंट क्या लिख के दिया था? मटेरियल में, हाँ बोलो, मटेरियल कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर, इनफैक्ट इट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, मेजर एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, देयरफॉर प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन, बोलो क्या बोला था? परचेस, स्टोरेज एंड इश्यू. तो हमने परचेस के बारे में थोड़ा बहुत बात किया, खत्म हुआ या और भी कंसेप्ट है इसमें? और भी कंसेप्ट है, बट एटलीस्ट एक बेसिक थ्योरी कंप्लीट किया हमने. अब हम आज ना स्टोरेज के रिलेटेड एक टूल सीखने वाले, क्या रिलेटेड? स्टोरेज, स्टोरेज के रिलेटेड एक टूल सीखने वाले जिसका नाम है ABC एनालिसिस. तो तुम ABC एनालिसिस को ऐसे भी बोल सकते हो, ABC का फुल फॉर्म इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल. उसको क्या बोलते हैं? Always best control, ABC can also be called as always best control, और sometimes it is called as, या इसको ऐसा बोला जाता है management by exception. इसको क्या बोला जाता है? management by exception, या इसी कंसेप्ट को बोला जाता है सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो ये सबका, ये जो भी मैंने लिखा है ये सब सेम ही है, ABC या ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल बोलो, या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलो, या सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. क्या बोलो? सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ये क्या होता है थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं. ध्यान दे रहे बच्चों? यहां पे सबका ध्यान है? इधर क्या लिखा? ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और दिस इज नोन एज, क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. लिखेंगे आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. और क्या बोलते हैं इसको? सेलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ध्यान दे रहे हो? अच्छा, एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी. ये दिस कंसेप्ट हैज डिराइव्ड फ्रॉम, दिस इज डिराइव्ड, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूं सिर्फ, डिराइव्ड फ्रॉम एक कंसेप्ट था CA फाइनल में पहले, अब वहां से भी निकाल दिया, जिसका नाम है पैरेटो एनालिसिस. कहां से डिराइव किया गया है? पैरेटो. पैरेटो वाज अ नेम ऑफ अ पर्सन, उसने डेवलप किया, उसने खुद का नाम दिया था इसको, पैरेटो एनालिसिस. समझ रहे हो क्या? तो ये क्या था वो मैं बताता हूं, सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब मुझे बताओ बच्चों, सब लोग प्लीज ध्यान दो आप यहां पे, रॉ मटेरियल्स हजारों अलग अलग टाइप के रहेंगे कंपनी में. जिंदा हो गए सब लोग? एक कंपनी में हजारों अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल रहेंगे, सबका साइज अलग रहेगा, सबके स्पेसिफिकेशंस अलग रहेंगे, सबके प्राइसेस अलग अलग रह सकते हैं, सब में पैसा कितना ब्लॉक हुआ यह अलग अलग रह सकता है. तो अब बताओ, सारे रॉ मटेरियल को हम सेम इज्जत के लेवल पे रख सकते हैं क्या? तो उसमें कुछ कम ज्यादा रहेगा क्या? हम बोलते कभी छोड़ दे भाई, कुछ जगह पे हम लोग बोलते नहीं भाई यहां पे ऐसे नहीं कर सकते, यहां पे बहुत प्रॉपर रखना पड़ेगा सब कुछ. ऐसा अपना अप्रोच रहता है क्या? कभी रहता है या नहीं रहता है? अच्छा, तुम्हारे लाइफ में जो चीजें हैं सब कुछ सेम इंपॉर्टेंस वाली है, या कुछ आप चीजें बोलते हैं ठीक है भाई यहां पे चलता है थोड़ा बहुत, बट यहां पे मुझे टॉलरेंस नहीं है कुछ भी, ऐसा रहेगा ना कुछ? अच्छा मुझे बताओ, अब ये रॉ मटेरियल, ये क्लासरूम थोड़ा अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है, आपको लग रहा है क्या यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें इधर उधर पड़ी हुई है? ऐसी कोई रॉ, कोई HDMI का स्प्लिटर मिलेगा आपको, हो सकता है कि कोई, समझ रहे हैं ना, आपको कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएगा आपको, ये हो सकता है कहीं पे कैमरा का कवर है, कहीं पे कुछ हो सकता है कि चीजें इधर उधर पड़ी हुई है अभी भी. यस और नो? मुझे बताओ बच्चों, ये चीजें इधर उधर पड़ी हुई है, एक आध चीज इसमें से आप लेके गए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, हम बाय करेंगे ना। बट यहां पे जो चीजें पड़ी है ना बच्चों, उसमें से ए कैटेगरी वाली कुछ भी नहीं है, सब सी कैटेगरी वाले। ए कैटेगरी का कुछ होता ना, अब जैसे क्लास खत्म होते ही मैं अपना आईपैड, अपना बैग लेके जाता हूं, बट बाकी चीज तो इधर ही पड़ी रहती है ना, चार्जर वर्जर, समझा या नहीं? बट मेन चीजें तो मैं लेके जा रहा हूं ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो सीधी सी बात है, मैंने भी कंट्रोल रखते हुए कुछ गुड्स पे बहुत कंट्रोल रखा है, कुछ गुड्स पे थोड़ा बहुत रखा है, कुछ गुड्स पे कंपैरेटिवली कम रह सकता है। यस और नो? जस्ट एक एग्जांपल, समझो मैं घर गया, ओके, घर पे मैं समझो अभी फ्लैट के बाहर ही जूते उधर निकाल के रख देता हूं। एक्चुअली चाहे तो कोई जूते उठा के लेके गया तो समझेगा भी नहीं, वो फ्लैट के मेन दरवाजे के बाहर ही है। वो दरवाजा हो सकता है कि अभी दूसरे दिन सुबह ही खुलेगा, क्वाइट पॉसिबल और नॉट। उसके बाद में मैं लिविंग रूम में जाके अपना बैग वगैरह रख देता हूं, जिसमें आईपैड है, हार्ड डिस्क है, वॉलेट है मेरा, समझ रहा है क्या? एंड समझो मुझे जाके कुछ मान लो गोल्ड के रिलेटेड, कुछ डायमंड रिलेटेड चीजें रखना है, तो बेडरूम में जाके एक लॉकर है, वो लॉकर में, समझ रहा है क्या, पासवर्ड एंटर करके उसके अंदर रखता हूं एंड फिर लॉकर बंद कर देता हूं। सिर्फ सोच के देखो, मैंने ये उल्टा कर दिया तो, कि मैंने घर के बाहर ऐसा निकाल के डाल दिया, डायमंड रिंग विंग निकाल के डाल दिया, उधर गोल्ड वोल्ड डाल दिया, एंड अंदर लॉकर में जूते घुसा रहा हूं। क्यों भाई? जूते इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? जूते इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, बट कंपैरेटिवली तो कम। मतलब जूते कल जाके गए तो भी हम क्या फैमिली के मेंबर सब लोग ऐसे बैठेंगे क्या? सब लोग ऐसा होगा क्या? अच्छा समझो यहां पे लेट से एक HDMI का पोर्ट पड़ा था, समझो क्या HDMI का पोर्ट पड़ा था, तो उसका ओनर तो मैं और सुशील सर है, सुन रहे हो क्या? अच्छा वो समझो कोई चोरी हो गया, वो यहां से गया, तो कल समझो मैं सुशील सर को बोल रहा हूं, अरे सुशील वो HDMI पोर्ट चोरी हो गया यार, कितने का था वो? 500 रुपए का। कितने का था? फिर सुशील रो रहा है। आप समझ रहे हो क्या? सुशील रो रहा है एंड घर गया, रोते 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 कार में भी रो रहा है, समझे? कौन सी कार में? BMW में बैठ के रो रहा है। क्यों? 500 रुपए का वो पोर्ट गया बोल के, एंड घर जाके बोल रहा है कि पापा वो HDMI को केबल गयो पापा। बहुत ढूंढा पापा बट मिल नहीं रहे हो, गयो पापा। अब बताओ सी कैटेगरी गुड्स के लिए इतना करता बैठेगा क्या वो? बट सुनो ध्यान से बच्चों, अगर मेरे बैग में मेरा लेक्चर का हार्ड डिस्क है, अगर वो गया ना बच्चों, जिसमें समझो अभी सारा बैच समझो 80 लेक्चर हो चुके हैं, एंड समझो हार्ड डिस्क है, अगर वो हार्ड डिस्क गया ना, कम से कम 2 महीने नींद नहीं आएगी मुझे, समझा या नहीं? कम से कम 2 महीने नींद नहीं आएगी मुझे, समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो हार्ड डिस्क ओपन लेक्चर्स है, एंड वो ओपन लेक्चर मतलब मिनिमम एक बैच के इधर उधर वर्चुअल लेक्चर मिला था, मिनिमम मिला जुला के 1-1.5 करोड़ रुपए, मतलब वो, समझ रहा है कि आपको ये? तो आप बताओ बच्चों, 2 महीने नींद उड़ने लायक अमाउंट है ना उधर? यस और नो? अमाउंट माइट बी इन्वॉल्व, उतना मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व था ना उधर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो तुम कंपनी में, सुन रहे हो क्या, हर रॉ मटेरियल को सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकते, समझा क्या आपको ये? एंड सेम सिक्योरिटी के अंडर सबको नहीं रख सकते, तो रॉ मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्या बोलो? 3 कैटेगरी। और वो 3 कैटेगरी है ए, हाँ बोलो, बी एंड सी। ए कैटेगरी एंड बोलो, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? ए कैटेगरी के गुड्स, बी कैटेगरी के गुड्स एंड बोलो सी कैटेगरी के गुड्स। ए कैटेगरी के गुड्स का वॉल्यूम, ए कैटेगरी के गुड्स का, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, ए कैटेगरी के गुड्स का वॉल्यूम होता है, ए कैटेगरी के गुड्स का वॉल्यूम होता है 15 to 20%, बट उसका वैल्यू होता है 60 to 70%, 60 to 70%। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? या आप बोल सकते हो कि 15-20 की जगह 5 to 10 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बट देखो बच्चों, ये कोई 5 to 10 मतलब एक स्पेसिफाइड परसेंटेज नहीं है। 5 to 10 मतलब मुझे सिर्फ क्या बोलना है, इसमें बहुत कम है, बहुत कम वॉल्यूम है बट वैल्यू बहुत ज्यादा है। बी कैटेगरी में वो गुड्स है जिसका 10 to 15% वॉल्यूम है एंड 10 to 15% वैल्यू है, बट सी कैटेगरी में 60 to 70% वॉल्यूम है बट बोलो 5 to 10% वैल्यू है। आपको कुछ समझ रहा है क्या, बताओ। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत कुछ समझ रहा है क्या, बताओ। ए बी एंड सी ये तीन कैटेगरीज कौन से होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अंदाज लग रहा है क्या आपको? तो आप मुझे बताओ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सा है? ए कैटेगरी में कितने परसेंट वैल्यू के गुड्स है? 60-70%। समझता है क्या आप? अब बताओ बच्चों, मैंने समझो एक जाके एक डायमंड रिंग रख दिया कहीं पे, तो हो सकता है कि उसका वेट जो है वो यार 15-20 ग्राम है बट उसका वैल्यू 20-25 लाख है। क्वाइट पॉसिबल और नॉट। बट कई सारी चीजें ऐसी है जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है बट वैल्यू तो कम है ना, तो कंपैरेटिवली यू कैन कीप, मतलब सी कैटेगरी के गुड्स फेंक दो बोल रहा हूं क्या मैं? मतलब आप समझो यहाँ पे कुछ टूल पड़ा हुआ है, वो बकेट है, देखो वहां पे वो बकेट और डस्टबिन जो भी है वो सी कैटेगरी है, तो मैं क्या क्लास होने के बाद उसको उठा के फेंक देता हूं क्या? सी कैटेगरी, चल हट यहां से करके। समझ रहा है क्या? बट वो कल जाके यहां पे नहीं भी रहेगा ना, तो ना मुझे समझेगा ना किसी को समझेगा, चुपचाप नया बाय करके वहां पे रख देंगे हम लोग। यस और नो? क्योंकि वो इतना इमटेरियल अमाउंट का है, इतना बोलो इमटेरियल का अमाउंट का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि हम लोग खुद होके उसको नुकसान करेंगे या फेंक देंगे, करेक्ट और नॉट? बट सीधी सी बात है, कंपैरेटिवली उसका इंपॉर्टेंस कम रहेगा कि नहीं? दैट इज सी कैटेगरी। तो मैं आपको एक दिन बता रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स को भी डिवाइड किया जाता है। ए कैटेगरी कस्टमर्स, बी कैटेगरी कस्टमर्स, सी कैटेगरी कस्टमर्स। सुन रहे हो क्या आप? जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के, वो डिफेक्ट्स को भी डिवाइड किया जाता है। ए कैटेगरी डिफेक्ट मतलब ये डिफेक्ट रहा तो कस्टमर प्रोडक्ट बाय ही नहीं करता। नहीं समझा आपको ये? बी कैटेगरी, सी कैटेगरी डिफेक्ट, समझता है क्या आपको ये? तो आपका प्राइम फोकस कौन सा डिफेक्ट मिनिमाइज करने में रहेगा, इस समझा के आपको ये? तो ये आपको पैरेटो एनालिसिस में बताया गया है, अलग अलग जगह पे कैसे ये यूज होता है। एंड पैरेटो ने ऐसे बोला है कि इट इज बेस्ड ऑन 80-20 रूल। उसने क्या बोला? 80-20 रूल। उसने बोला कि सुन रहे हो क्या, 80% ऑफ द कस्टमर गिव ओनली 20% ऑफ रेवेन्यू, एंड कुछ 20% कस्टमर है जो 80% रेवेन्यू देते। तो फोकस किस पे चाहिए? वो 20% कस्टमर जो 80% रेवेन्यू दे रहे। जैसे मैं आपको एक दिन एग्जांपल बता रहा था कि हम ये नोट जहां से प्रिंट करके लेते हैं, वो प्रिंटर जो है ये 15-20 दिन में, महीने भर में ऐसे ही फोन कर देता है एंड बोलता है, विनोद भाई कैसे है, घर पे सब ठीक है क्या? आपने भी एक बार वहां पे 2 रुपए का जेरोक्स किया था यार, आपको क्यों नहीं फोन किया? क्योंकि आप वो कस्टमर थे जो कौन से कैटेगरी में थे, समझा ना? 80% कस्टमर में से आप थे जो सिर्फ उसको 20% बिजनेस दे रहे। यस और नो? एंड मैं वो 20% कस्टमर से में से एक था जो उसके रेवेन्यू के 80% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे। यस और नो? तो कहीं ना कहीं उसने कस्टमर को भी कुछ कैटेगरीज में डाल के रखा रहेगा कि नहीं? तो एक कैटेगरी के कस्टमर पे ज्यादा फोकस था कि नहीं? तो आप बताओ, जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो आप बताओ कौन से गुड्स को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लेवल में रखोगे? बोलो। ए कैटेगरी, उसके बाद बी, एंड उसके बाद सी कैटेगरी। आप समझ रहे हो क्या? कहीं पे भी समझो, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? समझो घर पे मैंने एक कबर्ड में, समझो मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑफिस के रिलेटेड, जो मैं ऑफिस में नहीं रख सकता, वो मैंने घर पे रखा है। सुन रहे हो क्या? समझो मैंने मेरी बीबी को बोल रहा हूं कि कुछ भी हो जाए यहां पे तूने हाथ नहीं लगाने का, तुझे कुछ भी लगा कि इतना गंदा हो चुका है, ये इधर क्यों गिरा है, जो भी है यहां पे हाथ लगाने का। अब बताओ, जबकि समझो हो सकता है कबर्ड में कपड़े रखे है और कुछ है वहां पे, तुझे जो करना है कर उधर। समझ रहा है क्या? अब बताओ, मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस एक कैटेगरी को दिया कि नहीं? एक अच्छा, मतलब वो जो सी कैटेगरी है वो फेंक सकते हैं क्या? नहीं। बट एटमोस्ट इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द ए कैटेगरी और नॉट? तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हजारों अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं। हर एक रॉ मटेरियल को मैं एकदम सीसीटीवी कैमरा फुटेज के अंडर, जहां पे 24/7 वॉचमैन देख रहा है उसको, इतने सिक्योरिटी में रखू क्या? नहीं। मे बी दैट इज सी कैटेगरी, मे बी दैट इज सी कैटेगरी। तो एक कैटेगरी के गुड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ना? यस और नो? तो ऑर्गेनाइजेशन, आप बताओ, स्टोरेज में कौन से रॉ मटेरियल को कितना इंपॉर्टेंस देना है वो डिसाइड करने के लिए अलग अलग टूल्स यूज करता है। बाकी के अभी और टूल्स है लाइक HML एनालिसिस, VED एनालिसिस, वो क्या टूल्स है वो देखेंगे हम लोग, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है, ABC एनालिसिस, जिसको क्या बोला जाता है, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, या उसको बोला जाता है सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन समझता होगा ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब ही एवरीथिंग इज नॉट ऑफ सेम इंपॉर्टेंस लेवल, मतलब ही एवरीथिंग इज नॉट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब ही एवरीथिंग इज नॉट सेम, हर एक चीज को सेम इंपॉर्टेंस लेवल पे नहीं रख सकते। एंड बच्चों ये अपने जिंदगी को में भी कुछ सिखा रहा है ये टूल अपने को, अपनी जिंदगी में भी अपन हर एक प्रॉब्लम को सेम लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस पे नहीं रख सकते, इज इट राइट और नॉट, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे ही अपने को फोकस करना पड़ेगा ना, ताकि अगर आप हर प्रॉब्लम पे उतना ही अपना दिमाग खर्च करते रहेंगे तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो आपको एक कैटेगरी पे पहले फोकस करना पड़ेगा ना, एक कैटेगरी की भाई ये मेरा प्रॉब्लम है ये मैं पहले सॉल्व करूंगा, करेक्ट और नॉट, बाकी दो चार कुछ होता है तो भी चलेगा, इज दैट क्लियर। एक कैटेगरी पे मेन फोकस चाहिए ना भाई। अब जैसे मुझे कोई बोलते हैं रिलेटिव आए, कोई आए, नहीं 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 यार उसको तो ये याद ही नहीं रहता है, इसको तो ये बोलते हैं ऐसे, इसको तो ये याद ही नहीं रहता। भाई मैं आज तक मैं जिंदगी में कोई क्लास नहीं भूला कि भाई मेरा क्लास है एंड मैं जाना ही भूल गया, आप समझ रहे हो क्या, कोई या कोई लेक्चर ही भूल गया, कुछ कंसेप्ट ही भूल गया, ऐसे कब, तो मैं एक कैटेगरी पे फोकस रखूंगा ना यार, कौन मेरे घर पे कब आने वाला है, कब जाने वाला है, कब क्यों आने वाला है, मैं भूल भी गया तो चल सकता है क्या हो, आपको लग रहा नहीं सर वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं डिसाइड करूंगा ना वो तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ABC क्या होता है वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा ना यार, ए कैटेगरी कौन सा, बी कैटेगरी कौन सा और सी कैटेगरी कौन सा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, इतना लिख के लोगे क्या, ये टेबल बनाओगे क्या, क्या बनाया ऑलरेडी, ओके, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पैरेटो एनालिसिस, कैटेगरी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। उसके नीचे लिखो, थोड़ा बहुत कुछ लिख के दूं क्या, टाइम हो गया क्या, वो 20 मिनट बाकी है, अभी कुछ लोगों के रिएक्शन आने लगे, अभी खत्म हो गया करके, कैसे, राइट डाउन दिस मेथड ऑफ स्टोर्स कंट्रोल, हो जाता है क्या, इतना टाइम में खत्म हो जाता है क्या इस टाइम में, दिस भाई मैं इधर बैठने का बोला भाई, मेरे जैसे अच्छे लोगों का जमाना ही नहीं रहा आजकल, ठीक है, नहीं इनोसेंट लोगों का जमाना ही नहीं है आजकल। इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ, दिस मेथड ऑफ स्टोर कंट्रोल इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इज बेस्ड ऑन व्हाट, बोलो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नेक्स्ट लाइन, इट इज एन एनालिटिकल मेथड, it is an analytical method, it is an analytical method of material control, analytical method of material control that aims at concentrating efforts, concentrating efforts okay, in those sectors where it is needed most। समझ आया क्या आपको ये, yes or no, right? This method divides raw materials into three categories, और वो तीन कैटेगरीज कौन से अपन ने ऑलरेडी लिखे, yes or no। नेक्स्ट लाइन लिखो, once total number of items, once total number of items are grouped in these three categories. Once total number of items are grouped in these three categories, management can now focus. The management can now focus their attention. Management can focus their attention more on, आप ही बताओ, more on category A, more on category A and relatively low, बोलो, low on category B and C afterwards. समझा क्या आपको ये? तो आपके भी लाइफ के कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो प्रॉब्लम को आप कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं, एंड आप उसमें से सबसे ज्यादा फोकस कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने में रहोगे, ए कैटेगरी. अब हर प्रॉब्लम को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो क्या ना ऐसे आपके पास बाद में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं बचेगा. जिंदगी के इंपॉर्टेंट चीजें रह जाएगी क्योंकि आपने तो बी एंड सी कैटेगरी में पूरा टाइम स्पेंड कर दिया. क्वाइट पॉसिबल और नॉट. तो ये सिलेबस का भी एक एबीसी एनालिसिस होता है बच्चों, जो क्या होता है जनरली कुछ इंथुजियास्टिक लोग क्या रहते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, कहीं से तो गूगल से नोट्स डाउनलोड कर लिए, सर मैं 15 दिन से बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ रहा हूं. गलत नहीं है, नॉलेज आ रहा है, बट गलत टाइम पे तुम पढ़ रहे हो. समझा क्या आपको ये? गलत टाइम पे पढ़ रहे हो. आज तुम्हारा फोकस एग्जाम है ना, वन ऑफ द मेन फोकस इज एग्जाम और नॉट. कहीं ना कहीं उसके एंगल से देखना पड़ेगा ना आपको. सिर्फ बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट में मैं जिंदगी स्पेंड करता हूं, यह भी पॉसिबल है मेरे भाई. अच्छा सुन रहे हो क्या आप? ये इंटर फाइनल में 8 सब्जेक्ट 12-15 सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें से कोई तो सब्जेक्ट का कोई एक कंसेप्ट पे भी आपका करियर बन सकता है, बराबर है? एंड कैन आई से पूरे करियर भी आप बोल सकते हो कि आई एम स्टिल लर्निंग. एंड यहां पे आपने 12 सब्जेक्ट में से, समझ रहा है क्या, जो हजारों कंसेप्ट है उसमें से वो एक कंसेप्ट था. आप बताओ आज हम उस पर उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्या? नहीं. तो आज तो अपने लिए वो सी कैटेगरी था कि नहीं, बट बाद में इट कैन कम इन ए कैटेगरी, क्योंकि तब आपका करियर का फोकस अलग रहेगा ना. यस और नो? तो आज अपने को किस पे फोकस रखना है, क्या करना है, इसके लिए टीचर के इंस्ट्रक्शंस मैटर करते. यही मैं आपको डे नंबर 1 से बताता हूं. एंड तुम वो पोजीशन में हो ही नहीं आज कि तुम खुद एबीसी एनालिसिस कर पाओगे. आप बोलोगे नहीं सर कुछ तो एक आधा कुछ तो माइनर पॉइंट लेके आते हैं, एंड बोलोगे नहीं सर मैं कल 4 घंटे स्पेंड किया. तो तुमने वही टाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में स्पेंड किया होता तो इट कुड हैव बीन बेटर और नॉट. समझा क्या आपको ये? तो एक कैटेगरी पे आपका फोकस चाहिए बच्चों. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. क्या बोला जाता है? सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. चलो फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके ऊपर. चलेगा? चलेगा. पानी दो यार कोई तो, मेरा पानी भी लेके गया वो. थैंक यू. चलो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 113 है ना ये. क्वेश्चन नंबर 1 थैंक यू बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है बच्चों. पढ़ना है क्या? चालू किया कुछ लोगों ने अभी भाई? हो गई जान पहचान, हो गई क्या, या पहले से आई है? हाँ भाई, कौन किसको देखना है? लगे तो मैं पूरे सारे स्टूडेंट्स का एक HD में फोटो दे दूं क्या? मतलब स्कैन करने में आसान रहेगा. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एवरेज वैल्यू पर आइटम. आइटम मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है? ओके if the store has 6,000 items of consumption, 6,000 items of consumption and yearly consumption of rupees 12 lakhs, yearly consumption of rupees 12 lakhs. पढ़ रहे हो क्या मेरे भाई ये? From the following information, calculate average value per item. If the store has 6,000 items of consumption and yearly consumption of rupees 12 lakhs, तो class A, B, C दिख रहा है कैसे कुछ? Percentage of total items 10, 20 and 70 and percentage of total value 70, 20 and 100. ध्यान है क्या सबका इधर? क्या find करना है बच्चों अपने को? Average value per item. Average value per item. तो जो information आपको दिया है उसके बेसिस पे आप मुझे बताओ एवरेज वैल्यू पर आइटम कैसे आएगा. तुम्हारे दिमाग में कुछ फॉर्मेट हो तो बताओ. अच्छा, क्लास एबीसी परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 6,000. तो 6,000 पे ये परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन गेट ए कैटेगरी में कितना वॉल्यूम है, बी कैटेगरी में कितना वॉल्यूम है एंड सी कैटेगरी में कितना वॉल्यूम है. ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? ओके परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, तो परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू 12 लाख है तो ये परसेंटेज 12 लाख पे अप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे एंड टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यू विल गेट एवरेज वैल्यू पर आइटम, यू विल गेट एवरेज वैल्यू पर आइटम. तो चलो लिखे हम लोग आंसर. राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग क्या फाइंड करना है अपने को बताओ. कैलकुलेशन ऑफ बोलो मेरे भाई एवरेज वैल्यू पर आइटम, एवरेज वैल्यू पर आइटम. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू पर आइटम एंड बताओ उसमें क्या क्या कॉलम्स बनाऊं मैं. तो चलो पहला कॉलम बनाता हूं क्लास. क्या बना रहा हूं? क्लास. उसके बाद पहला कॉलम क्लास, उसके बाद परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स. क्या बोलो? परसेंटेज ऑफ. अगर आपको लग रहा है कि सर कितने कॉलम वगैरह नहीं समझ रहा है तो 2 मिनट वेट करो, पहले मुझे कंप्लीट करने दो. परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स सही है क्या? अच्छा परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स के बेसिस पे अपने को नंबर ऑफ आइटम्स मिलेंगे क्या? नंबर ऑफ आइटम्स मिलेंगे क्या? पक्का परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स के बेसिस पे अपने को नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएंगे. सही है बच्चों? अच्छा चलो नंबर ऑफ आइटम्स तक अपन पहुंच गए समझो. उसके बाद क्या बोलो? परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू. तो चलो मैं लिखता हूं यहां पे परसेंटेज ऑफ बोलो मेरे भाई टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू. तो मैंने परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू लिख दिया. उसके बाद क्या लिखो बोलो? टोटल वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी, टोटल वैल्यू इन ईच कैटेगरी. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? एंड देखो मैं ये लिख रहा हूं, आप ऐसा सही है क्या बताओ. समझो ये टोटल वैल्यू x है एंड नंबर ऑफ आइटम्स y है तो x डिवाइड बाय y इज द आंसर. x डिवाइड बाय y इज द इज गोइंग टू बी एवरेज वैल्यू पर आइटम, इज गोइंग टू बी बोलो मेरे भाई एवरेज वैल्यू per item. Obviously this will be in rupees and can I say this is going to be x divided by y, is going to be x divided by y. Do you agree? Yes or no? और चलो बोलो बच्चों अभी. एंड ऑब्वियसली ये टोटल वैल्यू मतलब ये रुपीज में रहेगा, बराबर है ना? हमने इसको x बोला है. अरे x divided by y is answer or not? चलो एक मिनट काम करो, मुझे पहले फिनिश करने दो, बाद में लिखो. वैसे भी कितना टाइम बचा अभी? ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? a, b and c ये 3 क्लासेस है तो मुझे बताओ एक कैटेगरी में कितने परसेंट नंबर ऑफ आइटम्स है? बोलो 10%, बी कैटेगरी में 20%, सी कैटेगरी में ऑब्वियसली इसका टोटल इज 100%. एंड अब बताओ नंबर ऑफ आइटम्स का टोटल कितना है? 6,000. कहां दिया था ये 6,000 क्वेश्चन में? एक मिनट ध्यान देना यार प्लीज, बाद में लिखो ना अभी. 6,000 आए क्या? मुझे बताओ वेदर दिस इज गोइंग टू बी 6,000 का 10%. अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पे, आप डायरेक्ट भी लिखा तो चल सकता है. इज इट 6,000 का 20%, इज इट 6000 का 70%? तो बताओ 6000 का 10% कितना आता है? 600 आइटम्स, देन 1200 आइटम्स एंड 4200 आइटम्स. एंड अब बताओ परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू कितना है बच्चों? बोलो 12 परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू 100% है ना, उसको कितना है परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू? बताओ परसेंटेज, बताओ ना बच्चों. 70%, 20%, 10%. वेदर दिस टोटल इज 100%. आप बताओ बच्चों, एंड ये टोटल वैल्यू जो है इज इट 12 लाख रुपीज? इज इट 12 लाख रुपीज? एंड चलो 12 लाख का 70% बताओ, 8 लाख 40,000. 12 लाख का 20%, 2 लाख 40,000. एंड दिस इज 1 लाख 20,000. आप बताओ बच्चों, सुन रहे हो क्या? अभी मुझे बताओ एक कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ आइटम्स है? बोलो 600. एंड उसका टोटल वैल्यू 8 लाख 40,000 है. तो बताओ एवरेज वैल्यू पर आइटम क्या रहेगा? 8 लाख 40,000 डिवाइड बाई 600. आंसर 1,400. डू यू एग्री? चलो सेकंड इसमें बताओ एवरेज वैल्यू पर आइटम 200 एंड अच्छा एग्जैक्ट 200. एंड लास्ट 28.57. अच्छा चलो 57 अप्रोक्सीमेटली, 28.57 अप्रोक्सीमेटली इज एवरेज वैल्यू पर आइटम. आपको समझ रहा है क्या? ए वैल्यू का ए कैटेगरी का एवरेज वैल्यू पर आइटम बहुत ज्यादा है. तो भले वो नंबर ऑफ आइटम्स कम थे, उनका वैल्यू ज्यादा था ना. भले वो नंबर ऑफ आइटम्स कम थे, उनका वैल्यू ज्यादा था कि नहीं? तो ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा फोकस किस पे चाहिए? ए कैटेगरी. इसका मतलब सी कैटेगरी के गुड्स को जला देने का क्या? सी कैटेगरी के गुड्स भी है भाई, बट ए पे ज्यादा फोकस चाहिए. एटमोस्ट अटेंशन शुड बी ऑन ए कैटेगरी. एटमोस्ट अटेंशन शुड बी ऑन ए कैटेगरी. आर यू गेटिंग दिस? चलो लिख के ले रहे हो क्या? ये सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो या समझा भी कुछ? समझा ना? गुड. कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या आज के लेक्चर में? देखो हमने कहाँ से चालू किया था, बहुत धीरे 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 एक एक पॉइंट, बट लेकिन एक दिन में अगर आप देखोगे ना बच्चों तो कुछ एडिशन हुआ रहता है. एंड 2-4 दिन अगर आप ऐसे इधर उधर देखते बैठे ना तो बाद में पता चलता है कि भाई इतना सिखा के हो गया. अगर आप 5-10 मिनट कोई भी देखोगे तो आपको लगता है कि अरे यार हाँ आराम से फुर्सत में पढ़ा रहे सर, बट आप एंड ऑफ द लेक्चर देखोगे तो एक कुछ तो बड़ा कंसेप्ट कवर हुआ रहता है या नहीं? यस. तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? ओके, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं क्या? और रोज की तरह मैं जो ऑनलाइन है उनको वापस बता दूं. मैं कल भी चेक कर रहा हूं, अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपना ऐप डाउनलोड नहीं किया है. तो ऐप डाउनलोड करके रखो, ऐप डाउनलोड करके रखो, ताकि ये कभी भी बैच अब ऐप पे शिफ्ट हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम ना आए. ओके, हमने बाकी सबको मेल भेज के रखा है जो लोगों ने लाइव स्ट्रीम GDPD का एडमिशन लिया है. आप समझ रहे हो, GDPD में भी लाइव स्ट्रीम वो देख सकते हैं, उसी ऐप से देखना है. ओके, ये लेक्चर अभी तो यूट्यूब पे बेटा 2 मिनट मेरा सॉरी बेटा, अभी लेक्चर यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है, बट कल से ये सिर्फ ऐप पे जा सकता है. कल प्रॉब्लम आया यूट्यूब पे रहेगा, बट एक ना एक दिन तो हमें ऐप पे जाना पड़ेगा ना. ओके, जो लोग फेस टू फेस है आप प्लीज CA विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करो. उस पर मैंने चैप्टर 1 का PDF ऑलरेडी भेज दिया है. चैप्टर 1 का PDF आपको ऑलरेडी भेज दिया है. चलेगा बच्चों? चलेगा. यस, थैंक यू वेरी मच. सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स. बाय बाय.